कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है रिवीजन आपका ठीक है तो कल हम लोगों ने शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और इसका एकाधिकार इसका राजनीतिक अभ्युदय कैसे हुआ इस टॉपिक का नाम मैंने लिखवा दिया था आपको शायद इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आंग फ्रांसीसी मराठा और मैसूर युद्ध और फिर उसके बाद से ये आपके लिए हमारी टीम ने तैयार किया है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण मराठों से अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने हेतु किए गए प्रयास मुगल साम्राज्य का पतन प्रतिस्पर्धा को कम करने तथा एकाधिकार को प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास इसी को हम लोगों ने शायद लिखा था वाणिज्यवाद के नाम से समझने की कोशिश की थी याद आ रहा है कुछ ऐसा अब इसके बाद ये अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर ये सब हमारे ब्रांचेस के नाम हैं आपके जो भी यार दोस्त सगे संबंधी हों उनसे उनको मोटिवेट कीजिए ठीक है कि वो आए हमारे साथ जुड़े और प्रथम कर्नाटक युद्ध मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी जो बच गया था वो कुछ दृश्य थे जो शायद आप नहीं देख पाए थे और आप में से कुछ लोग बड़े चिंतित थे कि कलरफुल आपको नहीं मिलता आपकी चिंता मुझे भी रात भर रात जगाए रखी मैंने भी ये सोचा कि अगर यू पूछ दे कि विजन वालों ने किस रंग से बनाया था ठीक है किस रंग से दिखाया था तो शायद ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप ना दे पाए दिक्कत यह नहीं है कि बाजार आपको स्पून फीडिंग करा रहा है दिक्कत यह भी है कि आपकी भी निर्भरता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ये जो समस्या है ना ये ऐसे ही नहीं आई है आपको लग रहा है कि आपने कुछ पैसे दे दिए जितने भी दिए हों और अब ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है मतलब कोचिंग वालों का कि वो आपको बस बना ही दें दस पंद्रह लाख में तो कलर की नौकरी नहीं ढूंढ पाते आप बाजार में यहाँ डेढ़ लाख देखे आई एस बन जाना चाह रहे हैं सीधे मतलब कोचिंग वाले ही बेवकूफ़ हैं डेढ़ लाख लेंगे और आपको सीधे आई बना देंगे तो कुछ से भी कुछ खुद कर लो भाई ठीक है तो ऐसा नहीं है सब कुछ हम लोगों के हाथ में होता तो शायद हम भी यहाँ नहीं खड़े होते तो बहुत अधिक तकनीक पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए आप ये सब कीजिए जिस दिन ई पी एग्ज़ाम का पैटर्न बदल देगी जिस दिन आपके हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर अलाउड हो जाएगा जिस दिन और भी चीज़ें जो आप बाहर करते हैं वो अलाउड हो जाएंगी उस दिन आप भी कर लीजिएगा लेकिन आप देखें कि पिछले दस सालों में क्वेश्चंस भले ही बदले हैं उनकी प्रकृति बदली है और भी तकनीकी नहीं हुई है जटिल हुई है लेकिन परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला है अभी भी पी में इन्होंने कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस नहीं की है ऐसा नहीं है कि आप देखिए छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से एग्जाम्स हो रहे हैं यू पी कर सकती है कि नहीं ऐसा कर सकती है वो भी कर सकती है मेंस में आपको कुछ नहीं करना होता मेंस में भी हो सकता है कि कुछ दिनों में ऑप्शन दे, दे दें वो चार नेट जो कि एकेडमिक एग्जाम है उसमें भी उन लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्न ख़त्म कर दिए अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं यू ने देखिए अभी सब्जेक्टिव प्रश्न खत्म नहीं किया और नहीं ये करेगी क्योंकि बाकी सी, सी, किसी जगह नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे पीटी में ये चार ऑप्शंस होते हैं मेंस के एग्जाम में भी चार ऑप्शंस हो जाएं लेकिन यहाँ पर भी अभी आपको मैनुअल हाथ से लिखना है जाके वहाँ और यहाँ आप लिखने को कह दिया जाए तो थोड़ी सी परेशानी होने लगती है आपको तो थोड़ा मतलब क्या कहूँ मैं इसको थोड़ा लिमिट में रहना है इन द सेंस कि तकनीक का प्रयोग लिमिटेड तरीके से ही करना है और ये जान के करना है टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं होना है सिर्फ इसलिए कि कोई तकनीक आ गई है हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें ये नहीं हमारा जो टास्क है उस टास्क में उस टेक्निक की ज़रूरत है उस टास्क को परफॉर्म करने में वह तकनीक काम आती है कि नहीं आती है तब हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है नहीं तो फिर तो ह्यूमन रीजन का क्या मतलब हुआ कल को टेक्नोलॉजी इधर कूद जाएगी तो आप भी उधर कूद जाओगे बिना मतलब का उससे तो प्राइमरी टास्क ही मिस हो गया ना टेक्नोलॉजी तो सब सर्वियंट है ना ह्यूमन नीड्स की टेक्नोलॉजी अपने आप में नीड कैसे हो सकती है ये बात हो सकता हो बाजार को बुरा लगे ये बात हो सकता हो आपको भी बुरी लगे लेकिन एज ए टीचर मेरा यह दायित्व तो है कि मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी के गुलाम आप नहीं होंगे ठीक है आपको टेक्नोलॉजी के अपने लिए इस्तेमाल करना है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है अगर वह तकनीक आपके मकसद में काम आ रही है तो ठीक है नहीं आ रही है तो सिर्फ इसलिए कि बहुत ही उन्नत टेक्निक है और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है इसके लिए क्या करेंगे आप ये तो कर नहीं पाएंगे आप संभव भी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए ह्यूमन माइंड अभी भी भले सारे ह्यूमन माइंड काम करना बंद कर दें जो लोग छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं उनका दिमाग काम ना भी करे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है ना लोकल लेवल पे काम चल जाएगा छोटे छोटे लेवल पे काम चल जाएगा ऑफिस के डिटेल्स मैनेज करने पे काम चल जाएगा लेकिन आप जिस लेवल पे जा रहे हैं जहां आपको ह्यूमन सेटअप में काम करते हुए ह्यूमन डिसीजंस लेने हैं वहां तो एआई काम नहीं करेगा जी अब ये ए डिसाइड करेगा कि किस भीड़ पे गोली चलानी है और किस भीड़ पे गोली नहीं चलानी है ए को डेवलप होने दो ना चाहे जितना भी डेवलप हो जाए क्या ये ए डेटा कलेक्ट करेगा या ऐसा करने जा रहे हैं ऐसा सिस्टम हम करने जा रहे हैं कि ए चौराहे पर लगा देंगे हम और चौराहे पर राइफल्स भी लगा देंगे और जहाँ लिमिटेड काउंटिंग से भीड़ ज़्यादा होगी ठीक है हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तड़ 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 लाठी चलाना हो लाठी चल गई गोली चलाना हो गोली चल गई ऐसा होगा क्या तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लोग उछल रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर ठीक है इतना उछलना ठीक नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर पूरे विश्व के स्तर पे ऐसा लग रहा है कि ए आई ह्यूमन लेवल को ह्यूमन रीजनिंग को रिप्लेस कर देगा आप जिस दिन चौराहे पे जिस दिन गोली चलाने का फैसला हो वो फैसला ए के हवाले कर दीजिए तब हम मान जाएंगे कि ए जो है वो इतना सक्षम हो गया है, है कि वो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर देगा ह्यूमन माइंड रिप्लेस नहीं होगा लोअर लेवल पर रिप्लेस भले हो जाए छोटे छोटे लेवल पर रिप्लेस भले हो जाए लेकिन जहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने हैं वहाँ तो ह्यूमन ही कंट्रोल रहेगा और आप उसी लेवल पे जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि यूपीएससी ने चीजें नहीं बदली हैं आपके लिए नहीं बदली वरना जितनी भी संस्थाएं हैं भारत में जो परीक्षाएं आयोजित करती हैं उसमें सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न अगर कोई संस्था है तो यूपीएससी है उससे ज्यादा संसाधन किसी के पास नहीं है तो बिना मतलब के इतने तीन तीन घंटे उत्तर आपसे लिखवाती है क्यों लिखवाती है वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़ देगी वहां भी ऐसे फैसले हो जाएंगे तो लर्निंग सिचुएशन में आप तकनीक का प्रयोग कीजिए लेकिन उसके चक्कर में बह मत जाइए आप अपने आप को मत भूलिए कि आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए हैं और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए आम लोगों को लेकिन आप आम नहीं हैं आप खास हैं तो आम लोगों का दिमाग भले काम करना बंद कर दे लेकिन खास लोगों का दिमाग काम करना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि तो अहम निर्णय अभी भी उन्हें ही लेने हैं तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं उसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बहुत साधी ही सादी परीक्षा है ये इसमें बहुत ज़्यादा रंग रोगन की जरूरत नहीं है आप हैं चीज़ें हैं समझ है दिमाग है उसकी शुद्धता है मानसिक परिवृत्तियाँ हैं तार्किक निर्णय है तार्किक कंक्लूजनस हैं तो बहुत ज़्यादा लर्निंग के मामले में नहीं देखिए अब ये कहने पे तो बात बुरी सबको लग सकती है लेकिन ये रंग फिरंगे जो शाहजहां के और इसकी तस्वीरें बनाई गई हैं इसमें किधर गया वो कहीं है बहुत मेहनत की है हमारी टीम सब ने सबने की होगी जहां भी की होगी क्योंकि प्रतियोगिता है तो हम भी करेंगे क्योंकि हम नहीं करेंगे तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले आपको रंग दिखाकर अपने साथ लेके चले जाएंगे तो जब रंग ही दिखाना है तो हमारा रंग सबसे चटक होगा क्योंकि हम हर मामले में प्रतियोगिता करेंगे उनके साथ लेकिन अब आप बताइए कि इन रंगों की क्या जरूरत है इस एग्जाम में इन रंगों की क्या जरूरत है प्लस टू लेवल से क्या आप आगे नहीं बढ़े ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है ग्रेजुएशन की किसी भी पाठ्य पुस्तक में जिसको आप कहते हैं जरा आप बता दीजिए कि उसमें मैप तो होता है फोटो जरा दिखा दीजिए मुझे वो भी रंगीन फोटो दिखा दीजिए और अगर वो होते भी हैं तो वो सिर्फ फोटो के लिए नहीं होते हैं वो व्यक्तियों के फोटो नहीं है वो लोगों के फोटो नहीं है लेकिन वो फोटो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कलरफुल तरीके से तो आपको निराशा हो रही है मन में लग रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है तो ये निर्भरता नहीं होनी चाहिए अगर ये निर्भरता है तो हम तो आपको देंगे लेकिन आपको कितना लेना है आपको अपने विवेक से तय करना है चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर मुद्दा ये था कि बहुत सारी कंपनियां थी भारत में प्रतियोगिता कर रही थी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संरक्षण की प्राप्ति के लिए संसाधनों की प्राप्ति के लिए जिसमें राजस्व भी शामिल था और ऐसा करते समय उनको भारतीय शक्तियों के साथ भी लड़ना था शुरू में तो लड़ने की हिम्मत नहीं थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय शक्तियों की राजनीतिक एवं सैनिक कमजोरियाँ स्पष्ट होती चली गई उनका साहस बढ़ता चला गया हालांकि हस्तक्षेप करने की उनकी मंशा बहुत पहले से थी शाहजहाँ के ज़माने में एक बार किया था उन लोगों ने फिर औरंगजेब के ज़माने में किया था लेकिन तब तक मुग़ल सत्ता काफ़ी मजबूत थी और औरंगज़ेब ने सारी फैक्ट्रियों को उनको जब्त कर लिया था फिर बाद में हाथ पैर जोड़ने लगे थे छोड़ दिया था लेकिन सिर्फ हाथ पैर जोड़ने की वजह से नहीं छोड़ा था एक वजह यह भी थी छोड़ने की कि व्यापारिक लाभ था साम्राज्य को कम से कम ये, ये, ये जो यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध विकसित हो रहा था इसकी वजह से क्या हो रहा था इसकी वजह से क्या हो रहा था भारतीय उत्पाद के लिए बाजार ही तो विस्तृत हो रहा था भारत के व्यापारियों को लाभ ही तो हो रहा था तो अगर इन लाभों को लेना था तो फिर तो विदेशियों को व्यापार करने की अनुमति देनी ही देनी थी तो सिर्फ बात ये नहीं थी कभी कभी उनकी मनसा जानते हुए भी उनको अनुमति देनी पड़ी यह विश्वास था कि इनके जो भी कुत्सित इरादे हैं इनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा लेकिन जैसे ही राजनीतिक दुर्बलता आती है वैसे ही उनके अंदर इतनी क्षमता आती है कि वो डंक मारने लगे याद है ना अलीवर्दी खान ने क्या कहा था कि ये मधुमक्खियों की तरह हैं कल मैंने शहद की मधुमक्खियाँ शहद की मधुमक्खियाँ तीन चार बार प्रयोग किया फिर रात में जाके सोचा मैंने फिर मुझे लगा कि शहद और मधु दोनों एक ही होता है मधुमक्खी कह दें इतना पर्याप्त है शहद की मक्खियाँ कह दें इतना पर्याप्त है शहद की मधुमक्खियाँ कहने का कोई तुक बनता नहीं था तो मैं कल या तो शहद वापस ले लेता हूँ या फिर मधु वापस ले लेता हूँ इन दोनों में से कोई एक वापस ले लेता हूँ तो इन मधुमक्खियों को मौका मिला डंक मारने का उसके पीछे भारत में उभरने वाली दुर्बलताओं का हाथ था अब उसी क्रम में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ पर आए किस क्रम में उनका विकास हुआ कौन कौन से महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स स्टोन्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरने के और फिर बाद में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरने के जो भी इसके चरण थे जो भी महत्वपूर्ण कदम थे उनकी चर्चा हो चुकी है जैसे दस्तक का अधिकार मिला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में इन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया ऐसा कुछ किया था इसी क्रम में हम लोगों ने फ्रांसीसियों की भी बात की थी और तीन युद्धों की बात की थी मेरे ख्याल से ये लास्ट वाले यूनिट में इतना किया था हम लोगों ने वो लास्ट वाला जो यूनिट था वो आज जो यूनिट शुरू हो रहा है उसी का हिस्सा है कल इस यूनिट को एक तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे जैसे इस यूनिट में है कि जैसे कल ये सारे हम लोगों ने कर लिए थे फ्रांसीसियों के पराजय के कारण ठीक है अब हमें यहाँ आंग्ल मराठा युद्ध करना है लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध मिसिंग है वह है आंग्ल बंगाल उसको हम लोग शायद छोड़ नहीं सकते जिस तरह से स्थिति है रिविजन करना है बंगाल सबसे प्रमुख था बंगाल सबसे पहला भी था बंगाल सबसे समृद्ध भी था और बंगाल के संसाधनों का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए भी किया तो बंगाल यहाँ इस सूची में शायद उल्लेखित नहीं है लेकिन विषय की आवश्यकता ये कहती है और मेरी चेतना एज ए टीचर जो है वो ये कहती है कि बंगाल की अनदेखी हम नहीं कर सकते ठीक है तो हम लोग बंगाल की बात कर लेंगे फिर मैसूर की तरफ चल लेंगे अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का किन किन परिस्थितियों में किन किन भारतीय शक्तियों के साथ किस किन चरणों में संघर्ष हुआ और उसके परिणाम क्या रहे ठीक है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हम लोगों ने कल ही देख लिया था यानी कि इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था तो आप एक काम कीजिए आंग्ल बंगाल का हेडिंग बना लीजिए और आइए देखते हैं कि बंगाल में जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो क्यों हुआ हमें पता है भारतीय शासकों की स्थितियाँ बंगाल पहला राज्य था अगर पूछा जाए तो जहाँ पर एक निश्चित युद्ध के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की जहाँ पर प्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ हुआ और जहाँ के संसाधनों का प्रयोग करते हुए या जिसे ब्रिटिश सत्ता का आधार बनाते हुए भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार किया गया एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में मानव संसाधनों के बड़े ही कुटिल प्रयोग के ऊपर आधारित है भारत को भारतीय संसाधनों के बल पर जीता गया भारतीय सैनिकों ने जीता भारतीय धन ने और भारतीय धन से उसका खर्च का वहन किया गया और फिर हम लोग ये देखेंगे कि भारत पे जो शासन भी चलाया जाना था उस शासन को भी चलाया जाना था भारतीयों के ही माध्यम से यानी कि जो कुछ भी प्राप्त किया गया और जिस तरह से उसका प्रयोग किया गया इन सब में भारतीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही Clear? तो इस अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बंगाल की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो आंग्ल बंगाल संबंध कैसे विकसित हुए एक नज़र इस पे देख लीजिए आप सारे रंग आपको दिख जाएं आंग्ल मैसूर है यहीं तक है देखिए बंगाल इसमें नहीं है लेकिन हम पहले बंगाल कर लेते हैं फिर और देख लेंगे ठीक है ना तो इसको कहते हैं आंग्ल बंगाल संबंध आंग्ल बंगाल संबंध क्या रहा आंग्ल बंगाल संबंध में तो एक चीज तो तय है कि बंगाल भारत में उभरने वाले देसी राज्यों में से एक था और जो भी कमजोरियाँ उसमें भारतीय परिस्थितियों में विद्यमान थी वो सारी कमजोरियाँ बंगाल में भी देखने को मिलती हैं जैसे बंगाल के शासकों ने सेना के विकास पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया था और अगर दिया भी होता तो अनवरुद्दीन की तरह भीड़ इकट्ठी करते क्योंकि तकनीकी मामलों में संगठनात्मक मामलों में यूरोप काफ़ी आगे बढ़ चुका था तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने उस उस चीज़ पे खर्च नहीं किया जो चीज़ निरर्थक हो चुकी थी लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बंगाल के शासकों ने सेना के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था दूसरी चीज़ कि अगर आप अमीर हो समृद्ध हो तो आपको मजबूत भी होना चाहिए ताकि अपने धन की रक्षा कर सकें जितने भी उस समय के भारतीय प्रांत थे उनमें दो सबसे समृद्ध माने जाते हैं पश्चिम में गुजरात का क्षेत्र और पूर्व में बंगाल का क्षेत्र आज पता नहीं क्या स्थिति है मुझे नहीं पता कि आज इन दोनों की स्थिति क्या है बंगाल की स्थिति क्या है लेकिन अगर अठारहवीं शताब्दी में देखें तो बंगाल सबसे धनी प्रांत माना जाता था तो इसके पास धन भी था दूसरी चीज़ ये कि अगर दरबारी राजनीति को देखा जाए तो लगभग हर जगह दरबारी राजनीति एक ही तरह से विकसित हो रही थी और उसमें आंतरिक मतभेद आंतरिक जो संघर्ष और उन संघर्षों में महत्वपूर्ण संघर्ष था उत्तराधिकार का संघर्ष तो बंगाल में भी था इसी बीच हम ये देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या बाकी जो कंपनियाँ थीं उनकी प्राथमिकताएँ क्या थी उनको भारत में संसाधन जुटाने थे भारतीय शक्तियों से सुविधाएं प्राप्त करनी थी ताकि वो अपने बुलियन का बच, बुलियन बचा सके और भुगतान संतुलन की स्थिति स्थापित कर सके और इसके लिए अब उन्हें यह भी पता था कि अनुनय विनय करने की ज़रूरत नहीं है अब हम बल प्रयोग के माध्यम से भी कर सकते हैं ऐसा इसलिए कि भारतीय शक्तियाँ देखने में भले चाहे जितनी भी शक्तिशाली लगें उनकी सेना अपनी सामर्थ्य खो चुकी है ठीक है तो अब इन इस आलोक में और इस समय जब सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ता है सत्रह सौ संतावन में और भारत में फिर से एक युद्ध की संभावना विकसित हो जाती है और जो कि बहुत सहज भी है इसलिए सहज है कि इससे पहले हो चुका है उसके बाद भी एक बार ये लोग लड़ चुके थे तो अब इसमें अलग अलग तरीके से दोनों ही पक्ष यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी तैयारी करनी शुरू कर देंगे और उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी उसी तैयारी के बृहत्तर प्रसंग में बंगाल में जो हुआ उसको देखा जा सकता है तो अगर कारण की बात करें कि आंग्ल बंगाल संबंध जो भी जिस तरह से भी विकसित हुआ संघर्षपूर्ण ही था उसमें कारण क्या थे तो एक तो कारण आप ये कह सकते हैं अगर सामान्य पृष्ठभूमि की बात करें हर जगह हमको देखना होगा वो क्या है भारतीय शासकों की दुर्बलता ये एक सामान्य कारण है कभी कभी आप सबल होते हैं ना तो आपकी बहुत सारी कमजोरियों को ना समाज देखता ही नहीं है लेकिन जब आप कमजोर होते हैं ना तो फिर लोग कहते हैं कि तुमको बोलना नहीं आता तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है थोड़ा पोलाइट बनो लेकिन थोड़े से अगर आप दबंग टाइप के होते हैं तो फिर आपसे कोई इस तरह के सवाल नहीं पूछता है फिर वो ये कहते हैं कि भैया नाराज नहीं हुए लेकिन भैया नाराज नहीं हुए वरना भैया तो पीट भी सकते थे कूट भी सकते थे ऐसा ही होता है ना हाँ तो हम लोगों का आंकलन उनकी औकात के अनुसार भी करते हैं और अपनी औकात के अनुसार भी करते हैं दोनों की औकात के अनुसार आंकलन किया जाता है आकलन कभी तटस्थ कहाँ होता है कांट ने यह बात तो बहुत पहले ही कह दी थी तो अगर बंगाल के शासक मजबूत होते तो फिर उनकी बहुत सारी दुर्बलताएं नहीं दिखती लेकिन भारतीय शासकों सासक, की दुर्बलता बंगाल में भी थी क्या क्या आंतरिक मतभेद संघर्ष षड्यंत्र जितनी चीजें आप लिख सकते हैं उतनी लिख लीजिए और इन सब का उत्तराधिकार का संघर्ष तीसरा सैनिक कमजोरी या दुर्बलता तो जो बाकी जगह कारण थे जो सामान्य कारण बनेंगे बंगाल में भी बनेंगे दूसरा बंगाल में हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें सप्तवर्षीय युद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो सप्तवर्षीय युद्ध ने न सिर्फ तीसरे कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि शुरू तैयार की बल्कि सप्तवर्षीय युद्ध ने बंगाल में भी अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के साथ होने वाले संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की यानी कि वांडीवास की लड़ाई और पलासी की लड़ाई इन दोनों का एक संबंध है और इन दोनों का संबंध कौन स्थापित करता है सप्तवर्षीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के शुरुआत में पलासी की लड़ाई हुई और जब युद्ध खत्म होने वाला था तो वाणीवास की लड़ाई हुई एक लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल की धन संपत्ति पर कंट्रोल किया और दूसरे में उन्होंने फ्रांसीसियों को हटाया अपने रास्ते से अपना रास्ता साफ किया तो अब इसमें ये तो अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है ये उस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आपको हेल्प करेंगे जिसमें कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सत्य है और अगर सत्य है तो क्या पहला दूसरे का कारण भी है तो अगर हम बृहत्तर परिप्रेक्ष्य जानते रहेंगे तो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं ऐसे सवालों की अपेक्षा अपे मत कीजिए कि संबंधियों का नाम पूछेगा कि सिराजुद्दौला की मौसी का क्या नाम था तो सिराजुद्दौला के कजिन का क्या नाम था ऐसे प्रश्नों की आशा तो हम नहीं कर सकते हालांकि इस तरह की चीज़ों को जानने से आत्मविश्वास तो थोड़ा बढ़ता ही है प्लस कभी कभी कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस ड्रा करने में भी सहायता मिल जाती है जरूरी नहीं है कि हर चीज हम प्रत्यक्ष रूप से ही जानते हैं कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक स्थिति में जानी हुई चीज़ का लाभ हमें दूसरी स्थिति में मिल जाता है तो उस एतबार से भी कभी कभी कुछ तथ्यों की बात हम लोग कर लेते हैं तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखिए उसके बाद से बंगाल में क्या हुआ तो उसके बाद से बंगाल में जो होता है वो नवाब के साथ जो तत्कालिक कारण था संघर्ष के विकसित होने का जिसको कि इस पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है वो था कि फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा आपने फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण इसकी शुरुआत हुई फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण सिराजुद्दौला ने इसे किस रूप में देखा होगा सिराजुद्दौला जो बंगाल का नया नया नवाब बना था उसने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना चोट ऐसे लगती है जैसे मैंने बनाया दूसरा दस्तक का दुरुपयोग प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का कारण था तो दस्तक का अधिकार क्या था हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला था जिसकी पुष्टि मुगल सम्राट ने भी की थी और वो अधिकार ये था कि तीन हजार रुपये वार्षिक भुगतान के बदले आप पूरे साल कर मुक्त व्यापार यानी कि आंतरिक चुंगी का भुगतान किए बिना व्यापार कर सकते हैं बंगाल में इस चीज़ का विशेष महत्व था इसलिए कि बंगाल में जो चीज़ मंगाई जाती थी वो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाई जाती थी तो आंतरिक चुंगी का विशेष महत्व था वहाँ पर इसलिए इस सुविधा का कंपनी ने विशेष तौर पे इस सुविधा को रख को बनाए रखने की कोशिश की या प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन यह सुविधा कंपनी को दी गई थी कंपनी के अधिकारियों को नहीं दी गई थी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे ख्याल से संस्थाओं और व्यक्तियों का अंतर हम समझते हैं मेरी एक व्यक्तिगत स्थिति है वसीम सिराज खान की और मेरी एक संस्थागत स्थिति है विजन की तो विजन ने यह पूरा कॉम्प्लेक्स किराए पे लिया है मैंने तो नहीं लिया है मेरा इसमें होने का हक इसलिए है कि मैं विजन का हिस्सा हूं अगर मैं विजन का हिस्सा नहीं होऊंगा तो मुझे सीढ़िया भी नहीं चढ़ने देंगे ये ये बात समझ गया तो स्थिति ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नौकरों को बहुत कम वेतन दिया करती थी लेकिन उन्हें व्यापार का लाभ था अब इसी से पता लगा लग सकता है कि भारत का आंतरिक व्यापार कितना विकसित था कि इंग्लैंड के लोग बहुत कम वेतन पर भारत आने को इच्छुक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने को इच्छुक थे क्योंकि कंपनी ने इस बात की अनुमति दे रखी थी कि आप भारत में आंतरिक व्यापार कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं उसमें कंपनी कुछ नहीं बोलेगी आपको यानी कि अपने निजी व्यापार के माध्यम से आप मुनाफा कमा सकते हैं तो निजी व्यापार पर अर्जित किया गया मुनाफा प्लस कंपनी द्वारा दी गई तनख्वाह ये दोनों चीजें इंग्लैंड से भारत में लोगों को आने के लिए मोटिवेट करती थी एक बहुत बड़ा आकर्षण ये था अब इसमें एक चीज फिर भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो सामुद्रिक व्यापार है जो ओवरसीज ट्रेड कहेंगे उस ओवरसीज ट्रेड में कंपनी के नौकर भागीदारी नहीं करेंगे वो कंपनी का होगा क्योंकि उसी पर कंपनी को एक अधिकार मिला था आंतरिक व्यापार में आप भागीदारी कर सकते हैं यानी कि अगर आप पटना से कोई सामान खरीद कर कलकत्ता में ले जाके बेच देते हैं भले ही आप कंपनी को ही क्यों ना बेचते वो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो कलकत्ता से उस सामान को उठा कर सिंगापुर लेके चले जाएं तो आप ले नहीं जा सकते थे वो कंपनी का अधिकार था कंपनी उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देगी लेकिन ट्रांजिट ड्यूटी तो दोनों को पे करना था कंपनी को भी पे करना था और उसके अधिकारियों को भी पे करना था लेकिन कंपनी को सुविधा मिल गई थी कर्मुक्त व्यापार करने की लेकिन ये सुविधा अधिकारियों को नहीं मिली थी उनके निजी व्यापार पे तो जब दुरुपयोग शुरू हुआ तो इसके तीन चार रूप विकसित हुए एक तो ये था कि कंपनी के व्यापारी कंपनी के अधिकारी जो कि व्यापारी भी थे निजी व्यापार में भी संलग्न थे उन्होंने निजी व्यापार में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया यानी कि जो सर्टिफिकेट कंपनी अपने माल के सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ करती थी कि यह कंसाइनमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का है इसलिए इसको कर मुक्त जाना चाहिए अब वो आपसी षड्यंत्र के माध्यम से चूँकि दस्तक उन्हीं को इशू करना था वो सर्टिफिकेट अपने निजी व्यापार पर भी प्राप्त करने लगे दूसरा इतना ही नहीं किया उन्होंने बल्कि ये भी किया कि दस्तक की बिक्री भी करनी शुरू कर दी दस्तक की बिक्री करनी शुरू कर दी तो बंगाल के नवाब को राजस्व घाटा हो रहा है कितने रुपए में हो रहा है राजस्व घाटा एक तो कंपनी नहीं दे रही है लेकिन कंपनी को कर नहीं देने का अधिकार बंगाल के नवाब ने नहीं दिया था ये किसने दिया था मुगल सम्राट ने दिया था और बंगाल और मुगल संबंधों के बारे में हम जानते हैं भले ही बंगाल के नवाब इस अधिकार की अवहेलना नहीं करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष ज़रूर था इसलिए कि हानि तो उन्हीं की हो रही थी ऊपर से कंपनी का अधिकारी भी इसका प्रयोग करने लगे अपने निजी व्यापार पे और जो भ्रष्ट भारतीय व्यापारी होते थे उनको बेचने भी लगे तो नवाब की मना स्थिति क्या होगी अगर आप नवाब होते तो आप क्या करते आप भी कुछ करते बहुत बड़ी चीज करते तीसरा था कि कंपनी को कभी ये नहीं लगा था शायद वहां के स्थानीय अधिकारियों को कि सिराजुद्दौला भी नवाब बन सकता है इसलिए बहुत पहले ज़माने से ही सिराजुद्दौला को कंपनी ने कभी समर्थन नहीं किया था कंपनी एक फैक्टर थी वहाँ पे लोकल राजनीति में तो हमेशा कंपनी को ये लगा कि सिराज विरोधी धड़ा ही सत्ता बनाएगा और सिराजुद्दौला की कि उन्होंने अनदेखी की अंतिम समय में जब अलीवर्दी खान ने जिसका कोई बेटा नहीं था सिराजुद्दौला को नवाब बनाया तो उसमें कंपनी ने सिराजुद्दौला के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की थी लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब संबंध एक बार बिगड़ जाते हैं और फिर उन्हें सुधारने आए और अगर विश्वास की स्थिति नहीं होती है तो वो चीज़ें ड्रामा लगती हैं फिर तो सिराजुद्दौला को ये सारी चीजें वैसे ही ड्रामा लग रही थी और सिराजुद्दौला का कंपनी के विरुद्ध दृष्टिकोण था मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा राजूदौला के विरोधी धड़े का समर्थन विरोधी धड़े का विरोधी धड़े का समर्थन विरोधी धड़े का समर्थन अब इस कभी कभी इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी सिराज क्लिक इस क्लिक के कुछ सदस्य थे अगर उनका नाम अगर आप जानते भी होंगे अगर नहीं भी जानते हैं तो अगर एक बार जान लिया जाए तो आपको आत्मविश्वास आप थोड़ा बढ़ेगा तो इसमें एक साहब थे क्लिक का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में खड़े हों यहाँ पर एक साहब थे जिनका नाम था नवाब शौकत जंग, नवाब शौकत जंग ये सिराज दौला के कजिन कजिन समझते ना, मौसी का बेटा और गद्दी का दावेदार दूसरा सिराजुद्दौला की एक मौसी भी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम आप हंसे जा रहे हैं अब कैसे और किन परिस्थितियों में इनका नाम ये पड़ा मुझे नहीं पता इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता लेकिन कभी कभी बड़े विचित्र नाम मिलते हैं पहले के लोग नाम जीने के लिए रखते थे मेरे इलाके में घुरन तोपन बहारन फेंकन न, ऐसे बहुत सारे नाम हैं व्यक्तित्व तो बहुत ही शानदार है नाम पूछिए तो नाम क्या है तो फेंकन फिर लोग समझ जाते थे कि लगातार पहले महामारियों में ना कुछ लोग मर जाते थे और एक सामान्य मान्यता ये थी आपको पता ही है कि जिसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं वो चीज़ क्या होती है वो चीज़ खो जाती है कहीं यूपीएससी के साथ ऐसा तो नहीं है यस yes. बहुत ज्यादा सिंसियर मत हुई है बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हुई है और लास्ट मोमेंट में, में पे तो बहुत जरूरी है अगर तैयारी को लेकर बहुत घबरा गए आप तो काम खत्म डॉक्टर अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करता है सुना होगा आपने क्यों नहीं करता तो भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा इमोशनल हो जाएगा तो तैयारी को लेकर ये इमोशनल होने का समय नहीं है अब अपनी ही तैयारी का आप मजाक उड़ाइए माखौल उड़ाइए हंसी आनंद लीजिए मजे कीजिए ठीक है ये ये ज्यादा सहज स्थिति है गंभीरता त्यागी अब थोड़ा हल्कापन लाइए नहीं तो फिर वो डॉक्टर वाला हाल हो जाएगा बच्चे का ऑपरेशन करने और हार्ट का ऑपरेशन था किडनी निकाल दिए ऐसा हुआ है ना हाँ गड़बड़ हुआ है ना हाँ एग्जाम में खूब होता है तो अभी का समय लोड लेने का बिल्कुल भी नहीं है अब तो आनंद मनाने का समय है लोड लेने का समय होता है तैयारी का शुरुआती दौर देखिए, अब तो आप युद्धभूमि में हैं, अब तो आनंद ही आनंद है अब तो वो घड़ी आ गई अब अब किस बात का डरना हाँ अब तो लड़ना है उदास स्थिति से थोड़े लड़ेंगे आप अब दुश्मन आएगा तलवार लेके आपसे लड़ने के लिए तो आप रिग्रेट कीजिएगा कि वो अपना तलवार हम तेज नहीं किए थे तलवार नहीं चप्पल ही हो चप्पल ही लेके टूट पड़िए हो सकता है कहीं चप्पल ही काम आ जाए तो अब तो अटैक करने का समय है टूट पड़ने का समय है अब इस समय अपने बारे में नकारात्मक आकलन का समय बिल्कुल भी नहीं है तो अब ये समय है धीरे धीरे, धीरे गंभीरता त्यागी सिंसरिटी त्याग और धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को हल्का बनाइए थोड़ा लाइटर मोमेंट में रहना शुरू कीजिए इस वक्त जो बहुत गंभीर होगा संलग्नता बस एक ही शर्त है कि संलग्नता बनाए रखिए जिस प्रक्रिया में आप बने रहे हैं उस प्रक्रिया में संलग्नता बनाए रखिए समय कम नहीं करना है बस मानसिक जो भार है मानसिक जो लोड है तनाव है उस तनाव को लगातार कम करना है स्वीकृति की स्थिति की तरफ बढ़िए आपको पता है ना कि बुढ़ापे में लोग मृत्यु को स्वीकार करने लगते हैं करने लगते हैं ना वैसे ही अब आप परीक्षा को स्वीकार कीजिए अब तो बात आ ही गई अब तो दरवाजे पे खड़ी है अब इस समय डरने का रोने का कांपने का कोई औचित्य बनता नहीं है अगर इतनी ही चिंता थी तो शुरू से ही चुएंपरास खाए होते तो बुढ़ापा ही नहीं आता बुढ़ापा ही नहीं आता तो मृत्यु भी नहीं आती जब चुवम्परास खाना था तब तो आप खाए नहीं मैगी खाते रहे और अब जब बुढ़ापा आ गया है तो मृत्यु से भयभीत होने का कोई मतलब नहीं है अगर नहीं भी होना है तो ग्रेसफुल तरीके से ना हो संघर्ष करते हुए ना हो लड़ाई लड़ते हुए ना हो पहले हारना नहीं है तो इस विरोधी धड़े में घसीटी बेगम थी घसीटी बेगम के बाद इस धड़े में और भी लोग थे जैसे एक थे दीवान राज बल्लभ अब आप कहेंगे कि बंगाल में दीवान और नाजिम की स्थितियां मर्ज कर गई थी याद है ना आपको तो फिर ये दीवान किसके थे ये दीवान बंगाल के नवाब के नहीं थे ये घसीटी बेगम के दीवान थे उसके बाद इनके एक बेटे थे जिनका नाम था कृष्ण बल्लभ और ये बाप बेटे राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और अंग्रेजों को उस समय के कुछ कारणों से ये लगा था कि पूरी संभावना थी राज बल्लभ के शासक बनने की लेकिन वो नहीं हो पाया फिर उसके बाद यहाँ पर और भी लोग थे जैसे एक नाम आपने सुना होगा मीर जाफर भारत में जब गद्दारों की बात होती है तो मीर जाफर का नाम भी उसमें लिया जाता है और अगर आप चले जाएँ मुर्शिदाबाद एक जगह है तो वहाँ पर एक गद्दार की हवेली मिलेगी आपको वहाँ के स्थानीय लोग आज भी उस हवेली को गद्दार की हवेली कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि वह हवेली किसकी है मीर जाफर की है मीर जाफर का एक बेटा था मिरन वह भी सिराज का विरोधी था मतलब पूरा परिवार ही विरोधी था बस इस परिवार में एक इसकी पुत्री ही थी मीर जाफर की और मिरन की बहन जो दौला की विरोधी नहीं थी कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि दोनों में प्रेम संबंध था और अगर ये बाप बेटे सिराज दौला के विरुद्ध हुए तो बाकी सारी व्याख्याएं एक तरफ कैरन लियोनार्ड एक तरफ सिराज दौला की कमजोरिया एक तरफ और ये प्रेम कहानी एक तरफ कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं पता नहीं उसका नाम शायद लुत्फ निशा या कुछ था तो नाम मुझसे मत पूछिएगा लेकिन हाँ कुछ अच्छा पहले के इतिहासकार ऐसे मुद्दों को सीधे और परंपरागत इतिहासकारों के अनुसार मैं आज के इतिहासकारों की बात नहीं कर रहा हूँ ये पुराना दृष्टिकोण ऐसे ही था और आज भी आपके चरित्र का निर्धारण इसी प्रकरण से होता है बाकी और कोई प्रकरण हो किसी का कर्जा लेकर वापस नहीं किए हों आपका चरित्र नहीं खराब हुआ किसी का गला घोट दिए हों चरित्र खराब नहीं हुआ और भी जगह धोखे दिए हों चरित्र खराब नहीं हुआ लेकिन जैसे ही प्रेम में पड़े तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की हानि होती है तो किसकी होती है चरित्र की होती है तो सिराजुद्दौला का चरित्र खराब था ऐसा लिखने वाले इतिहासकार शायद इस प्रेम प्रकरण से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे आज के हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते आज का समाज भी ऐसा नहीं मानता आज के समाज में ऐसे संबंधों की स्वीकृति थोड़ी बढ़ गई है हालांकि ऐसा नहीं कह सकते परंपरागत दृष्टिकोण अभी भी कभी कभी वास्तविक बाधा उत्पन्न कर सकता है आपके रास्ते में तो सावधानी पूर्वक फिर उसके बाद से मीरन था मीरन के बाद यहां पर कुछ बैंकर्स थे आपने नाम सुना होगा जगत सेठ अंग्रेजी में पुलरल बना देते हैं ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है उपाधि थी जो कि एक परिवार को दी गई थी उस परिवार के व्यापारी जगत सेठ के नाम से जाने जाते थे फिर एक साहब थे जिनका नाम था अमीचंद बंगाल में हो जाता है ओमीचंद बंगाल में थोड़ा अ ओ, ओ हो जाता है तो अमीचंद क्या हो गए ओमीचंद हो गए ये लोग थे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कुछ नाम देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सिराज विरोधी धड़े का हिस्सा था या धड़े का हिस्सा नहीं था फिर उसके बाद अगर अगले कारण को देखा जाए तो सिर्फ यह ऐसा नहीं था कि कंपनी सिराज विरोधी धड़े का समर्थन करती थी बल्कि जो सिराजुद्दौला के जो भगोड़े होते थे सिराजुद्दौला के दरबार में कोई भी कांड करके भागिए आप आपको कंपनी शरण देगी तो सिराजुद्दौला के भगोड़ों को संरक्षण यह कंपनी दिया करती थी यह भी एक कारण था और इसमें कृष्ण बल्लभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है इसने कुछ गबन किया था और भाग के चला गया कंपनी के पास और कंपनी ने इसको अपना शरण दे दिया दौला ने वापस मांगा लेकिन कंपनी और सिराज दौला का संबंध ऐसे थे कि कंपनी वापसी को तैयार नहीं हुई स्पष्ट है ये अब इन्हीं सब चीजों की वजह से संघर्ष हुआ ये लार्जर पिक्चर आपको दिख रही है कथन देकर भी पूछा जा सकता है और वैसे नॉर्मली भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं ठीक है ना अब यहां पर आप अब इसके आगे बढ़ते हैं ये तो सामान्य कारण हो गए कभी कभी कारणों का और प्रभावों का अंतर जो है वो मिट जाता है और वह अंतर इसलिए मिट जाता है कि घटनाओं की एक श्रृंखला पारस्परिक रूप से इस तरह से संबंधित होती है कि हर पहली घटना उसके बाद वाली घटना का कारण मानी जा सकती है और हर बाद वाली घटना पहले वाली घटना का परिणाम मानी जा सकती है और ये सभी एक श्रृंखला में बधे हुए हैं तो अब कुछ ऐसी ही स्थिति बंगाल में निर्मित होने जा रही है और स्थिति कुछ इस तरह से है कि सिराजुद्दौला इन चीज़ों से तंग आकर और ये साल भर के अंदर ही सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं यानी कि सत्रह से सत्रह के बीच में इसलिए अलग अलग तिथि याद करने की जरूरत नहीं है आप श्रृंखला याद रखिएगा मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए आप सॉरी इसके लिए खेत है तो अब यहां पर एक चेन है जो कि हमें याद रखनी है यह नहीं कि विशेष कौन सी तिथि थी लेकिन घटनाओं का एक क्रम अब इसके बाद सिराजुद्दौला दौला आक्रमण कर देता है सिराजुद्दौला दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर आक्रमण जब सिराजुद्दौला दौला के बार बार आग्रह करने के बाद भी कि आप दुर्गीकरण मत कीजिए दुर्गीकरण मत कीजिए फ्रांसीसियों ने टालने की कंपनी ने टालने की कोशिश की यह कहकर कि चंद्रनगर के फ्रांसीसियों से खतरा है नवाब साहब आपसे कोई खतरा नहीं है नवाब ने आश्वासन दिया कि चंद्रनगर के फ्रांसीसियों से रक्षा करने की ज़िम्मेदारी मेरी है लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के अनुभवों के बाद कंपनी फ्रांसीसियों के विरुद्ध इस आश्वासन पर भरोसा कर सकती थी कि अगर फ्रांसीसी चंद्रनगर के फोर्ट विलियम पर आक्रमण करते हैं तो क्या बंगाल का नवाब फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की रक्षा कर सकता था अनवरुद्दीन ने मद्रास में यही करने की कोशिश की थी क्या अनवरुद्दीन कर पाया था जबकि उसके पास एक बड़ी सेना थी तो सिराजुद्दौला कहता रहा कि आप बंद कीजिए और यह माने कभी नहीं सिराजुद्दौला दौला क्षुब्ध हो गया और उसने अटैक कर दिया सफल रहा फोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर लिया गया अब हर चीज मैं लिखूंगा नहीं और फोर्ट विलियम पर नियंत्रण के बाद इसका प्रशासन मानिक चंद को दे दिया गया मानिकचंद भी सिराज विरोधी धड़े में शामिल किया जा सकता है और अंग्रेज जो थे वो भाग के चले गए एक रिवर आइलैंड पे जिसका नाम था फुल्टा फुल्टा द्वीप पे चले गए इस बीच में फोर्ट विलियम में घटना घटी जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना उसमें कुछ अंग्रेज मर गए थे सिराजुद्दौला दौला ने उनको बंदी बना लिया था एक छोटे से कमरे में रख दिया गया कुछ किताबों में तो इस कमरे का डायमेंशन भी लिखता है कितना कि, मतलब मीटर चौड़ा कितना मीटर लंबा लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़िएगा आप इस चक्कर में भी मत पड़िएगा कि टोटल 146 थे इस चक्कर में भी मत पड़िएगा कि टोटल 27 थे ऐसे तथ्य जो गाइड्स में मिलते हैं हमें बड़े आकर्षित करते हैं आप इतना जान लीजिए कि ब्लैक होल की जो घटना हुई उस घटना को सिराज दौला के खिलाफ ओपिनियन तैयार करने में किया गया है इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी किसी भी युद्ध के लिए किसी भी विजय के लिए प्रोपेगंडा की जरूरत होती है आपको बताना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका औचित्य है और वह सही काम है और उसे किया जाना चाहिए तो ब्लैक होल की इस घटना जिसका विवरण एक बचा हुआ डॉक्टर देता है जो कि इस घटना में बच गया था उसका नाम था डॉक्टर हॉलवेल एच ओ एल -E डब्ल्यू ई एल एल डॉक्टर हॉलवेल उस वह इस घटना का विवरण देता है ऐसी चीज़ें लिखते भी रहिए आप अगर चाहें तो अगर याद हो तो ठीक है मकसद तो आपको याद ही दिलाना है तो डॉक्टर हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन किया है और बड़ा ही विभत्स वर्णन किया है सिराजौला उस समय था किले में ही था उसको जगाया नहीं उसके नौकरों ने क्योंकि नींद में खलल पड़ती और इस छोटे से कमरे में भुटन के मारे लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई थी अब कुछ लोग कहते हैं कि सराजी दौला इसके लिए दोषी था कुछ लोग कहते हैं कि उसके अधिकारी दोषी थे कुछ का मानना है कि ये सिर्फ दुर्घटना थी लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब इस घटना का राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाना है तो इसका सारा दोष किसके ऊपर मढ़ा जाएगा सिराजदौला के ऊपर मढ़ा जाएगा ऐसा किया गया और अब इन परिस्थितियों में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन रॉबर्ट क्लाइव हमें पता है हीरो बनकर निकला था किस युद्ध में दूसरे कर्नाटक युद्ध में और इस बीच में उसने और वाटसन ने मिलकर पश्चिमी तट पर मालाबार तट पर एक बहुत ही मशहूर मराठा कैप्टन को हराया था नौसेना के कैप्टन को जिनका नाम था कानोजी आंग्रिया जैसी प्रसंग में बात हुई थी हमारी कानोजी आंग्रिया नाम लिख लीजिए ये मराठा नेवी के कैप्टन थे और रॉबर्ट क्लाई और वाटसन कान्नों जी अंग्रिया को हराते हैं और इसमें पेशवा भी कान्हो के विरुद्ध काम करता है ये मराठों की आंतरिक फूट थी कान्हो जी अंग्रिया एक व्यक्ति के तौर पे और मराठा जो नेवी थी उसमें भी एकता भले ना थी लेकिन उसके एक यूनिट के प्रमुख के तौर पे विशेष रूप से रूप से याद किए जाते तो आत्मविश्वास अभी इनका अपने चरम पर था फ्रांसीसियों को हरा चुके थे कान्हो जी को हराया था तो इन्हीं दोनों बहादुरों को भेजा गया रेस्क्यू मिशन पर रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के साथ इंडिया बंगाल आता है मद्रास से मद्रास में वैसे भी सेना तैयार की जा रही थी उसी सेना को लेकर वह यहाँ पहुँच जाता है यहाँ आकर उसने निगोसिएशन करना शुरू किया सिराज विरोधी धड़े से और मुख्य रूप से षड्यंत्रों के माध्यम से ही उसने कलकत्ता को वापस ले लिया जिसे सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को देकर जिसका नाम भी बदल दिया था अली नगर अब जो कलकत्ता था उसका नाम क्या था अली नगर और उसी अली नगर में एक संधि होती है जिसको कहा गया अली नगर की संधि इस अली नगर की संधि में सिराजुद्दौला का जो रवैया है वह रवैया बड़ा ही लचीला और कमजोर प्रतीत होता है लगता ही नहीं है कि यह वही नवाब है जिसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण भी किया था और उन्हें फुलटा के द्वीप पर शरण लेने के लिए बाध्य किया था और इसका नाम बदल कर इसका प्रशासन मानिकचंद को सौंपा था अब सिराजी दौला के रवैये में ये जो अंतर है ये अंतर क्यों आया इसकी व्याख्या इतिहासकार अलग अलग तरीके से करते हैं कुछ उसके फिर चारित्रिक दुर्बलता व्यक्तिगत दुर्बलता की तरफ चले जाते हैं वह तो व्यक्ति ऐसा था जो पहले काम करता था फिर बाद में सोचता था वह वा गुस्से वाला व्यक्ति था जल्दबाज था अब इस तरह की व्याख्याओं से इतिहासकार उठ चुके हैं अब आमतौर पर व्यक्तिगत दुर्बलताओं पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती परिस्थितियों पर बात की जाती है तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसके दरबार में कुछ नई विकट स्थितियाँ पैदा हो गई थी जो कि उसका इमीडिएट ध्यान चाहती थी अपनी तरफ इसलिए वह एक साथ दो फ्रंट पर लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए उसने अली नगर की संधि में समझौतावादी रवैया अपनाया कारण जो भी हो जो समझौतावादी रवैया अपनाया गया उसकी पुष्टि होती है इस संधि की कुछ विशिष्टताओं से पहली विशिष्टता ये थी कि जो फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण था जो कि विवादित मुद्दा रहा था उस दुर्गीकरण के लिए सिराजी दौला ने हामी भर दी स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है आपसे तो जब हामी ही भरनी थी तो आप पहले ही भर दिए रहते इतना पंगा लेने की क्या जरूरत थी लेकिन उस समय उसकी जरूरत थी बाद में परिस्थितियां बदल गई थी और अच्छा राजनेता वही है जो परिस्थितियों के अनुसार बदल ले दूसरा की कंपनी को बंगाल में सिक्के ढालने का अधिकार मिला कंपनी के सिक्के बंबई में ढाले जाते थे अब वो कलकत्ता में भी ढाले जा सकते थे आपको पता है कि सिक्के ढालने के अधिकार का संबंध संप्रभु अधिकारों के साथ होता है किसी न किसी तरह से तो इस संधि के उपरांत किसकी स्थिति सुदृढ़ होती हुई प्रतीत हो रही है कंपनी की स्थिति सुदृढ़ होती हुई प्रतीत हो रही है तीसरा इसमें एक यह भी था कि दस्तक के दुरुपयोग दस्तक का जो दुरुपयोग हो रहा था उसको लेकर कोई प्रावधान होना चाहिए था तो दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी इसमें अपेक्षित था या नहीं था क्योंकि अगर शांतिपूर्ण संबंध रहने हैं तो झगड़े के जो कारण हैं उन कारणों को हटाना होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया तो नवाब के दृष्टिकोण से जो चीज़ नवाब के लिए लाभकारी हो सकती थी वैसा नहीं किया गया जो भी इस संधि के प्रावधान थे उन प्रावधानों का लाभ अंततः किसको मिलना था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना था इसके बावजूद क्या किया अब क्या अपेक्षित था कि अब तो शांति स्थापित हो गई कलकत्ता वापस मिल गया नवाब ने भी आपकी बहुत सारी शर्तों को मान लिया और इमीडिएट तौर पर जो विवाद का मुद्दा था वह कलकत्ता का दुर्गीकरण ही था अब सिराजुद्दौला दौला ने उस दुर्गीकरण के लिए भी सहमति दे दी तो अब तो शांति स्थापित हो जानी चाहिए थी रॉबर्ट क्लाइव इसके पक्ष में नहीं था कंपनी के जो स्थानीय अधिकारी थे जो फुलटा से लौट चुके थे वो अब ये चाह रहे थे कि क्लाइव और वाटसन चले जाएं मद्रास क्योंकि वैसे भी ये जो तीन प्रेसिडेंसियां हैं कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास ये आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र ही थी और इनका किसी पर किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं था इन सब पर नियंत्रण वहाँ से होता था इंग्लैंड से होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके ऊपर अपना नियंत्रण रखता था ये आपस में कोई एक दूसरे से प्रभुत्वशाली नहीं थे तो अब इस स्थिति में रॉबर्ट क्लाई और वाटसन ये दोनों एक तरह से कलकत्ता में आउटसाइडर थे यहाँ के स्थानीय अधिकारी थैंक यू बोल दिए इनको कि भाई अब थैंक यू सो मच आपने मुसीबत में काम किया अब आप जाइए मद्रास अब हमें चुपचाप यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने दीजिए वाटसन भी इसके पक्ष में था वाटसन भी वापस जाने को तैयार हो गया लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वापस जाने को तैयार नहीं हुआ रॉबर्ट क्लाइव ने एक सैनिक के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी अब यहाँ लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव एक दूरदर्शी व्यक्ति था अब आप समझ सकते हैं कि बाकी जो भी लोग थे वो स्थानीय चीज़ों के बारे में सोच रहे थे रॉबर्ट क्लाइव को अगर किसी एक व्यक्ति को वैसे तो ब्रिटिश शासक ब्रिटिश शासन का भारत में कोई संस्थापक नहीं माना जाता है लेकिन अगर एक किसी व्यक्ति को जैसा कि मुगलों में बाबर को माना जाता है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन को माना जाता है अगर किसी एक व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कभी स्वीकार करना पड़े तो सबसे योग्य या सबसे उचित नाम रॉबर्ट क्लाइव का ही है वो चाहे दक्षिण के कर्नाटक युद्ध थे या बंगाल में उभरने वाली राजनीतिक परिस्थिति थी तो आखिर रॉबर्ट क्लाइव ऐसा क्यों कर पाया वो ऐसा इसलिए कर पाया कि बाकी लोगों से अधिक दूरदर्शी था बाकी लोगों को अपना आज का व्यापार समझ में आ रहा था रॉबर्ट क्लाइव को सप्तवर्षीय युद्ध दिख रहा था रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य दिख रहा था कि लड़ाई लगनी ही है होनी ही है युद्ध शुरू हो चुका है यूरोप में और एक ऐसे समय में जब यूरोप में युद्ध हो और भारत में भी युद्ध हो और एक ऐसे समय में बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत का शासक ब्रिटिश विरोधी हो और चंद्र नगर में फ्रांसीसी प्रभावी हो तो क्या यह स्थिति भविष्य के लिए सही स्थिति थी तो उस समय भविष्य किसने देखा अब आप समझ गए प्रशासकों का काम क्या होता है आप भविष्य देखेंगे और जितनी तकनीकें आ रही हैं जिसमें वो ए आई भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं वो वही काम कर सकती हैं जो आपने पहले कर लिया है उसी को बड़े पैमाने पर कर सकती हैं उसी को रेप्लीकेट कर सकती हैं एप्लीकेशन समझते हैं ना वो बड़े अमाउंट पे डाटा प्रोसेस कर सकती हैं टेरा बाइट में डाटा प्रोसेस कर सकती हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या ह्यूमन माइंड का काम इतना ही है ह्यूमन माइंड को उससे कम डेटा की जरूरत है उसने ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है ह्यूमन माइंड की कुछ अलग विशिष्टताएं हैं उस विशिष्टताओं को एआई कभी नहीं पूरा कर सकता एआई जो करने जा रहा है वो मानव मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है एक छोटा सा काम है वहाँ पर आप ए या किसी भी तकनीक का सहारा ले सकते हैं लेकिन जो मानव मस्तिष्क का मूल काम है वहाँ तो थोड़ा सा कर पाना मुश्किल है आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है ए मानव मस्तिष्क से कई गुना ज्यादा तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है वो जल्दी से उस उसकी मेमोरी कभी फेल नहीं होगी ह्यूमन मेमोरी फेल करती है शायद ह्यूमन मेमोरी की ब्यूटी यही है ये कि ये फेल करती है ए कभी भूलेगा नहीं लेकिन फिर इसकी जो गुण है इसकी जो कल्पनाशीलता है इसकी जो ओरिजिनलिटी है इसको जो नए पैटर्न बनाने की क्षमता है एप्लीकेशन की नहीं इसको जो नए अंतर संबंध विकसित करने की क्षमता है इसको शायद अभी समय लगेगा ए को इस स्तर पर पहुँचने में हो सकता हो कि पहुँच भी जाए लेकिन मनुष्य कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा शायद या बना ना पाए जैसे मनुष्य खुद ईश्वर निर्मित है ना ईश्वर में अगर आस्था हो तो ठीक है ना भी हो तो प्रकृति के मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के इवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं हम लोग और उस दौरान कितनी जटिलताएं हमारे अंदर विकसित हुई हैं इन जटिलताओं को कृत्रिम तरीके से बना पाना वो भी लेबोरेटरी में इतना संभव नहीं होगा उसके कुछ पक्षों को आप बना सकते हैं कुछ संबंधों को आप बना सकते हैं तो कोई भी नहीं बना सकते ये तो मानव सीमाओं की बात हो रही है ना सिर्फ भारत की बात कहां हो रही है अब तो लोग गॉड पार्टिकल भी ढूंढ रहे हैं ईश्वर का भी निर्माण करने लगे हैं मनुष्य को तो छोड़ दीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें थी वो वनस्पति थी अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान बनेंगे कुछ दिनों में वहां तक हस्तक्षेप ठीक है आप मानव मनुष्य के मस्तिष्क की हो सकता है योग्यता भी बढ़ा दें लेकिन फिर भी कुछ मौलिकता जरूर ऐसी है कुछ मौलिकता जरूर ऐसी है जो मानव मस्तिष्क में ही रहेगी पूरी तरह से विस्थापित इसको कर पाना शायद संभव ना हो और ठीक है आप तार्किक हो सकते हैं भावनाओं का क्या करेंगे फिर मनुष्य भावुक है उसका सबसे बड़ा गुण है मानव के अंदर संवेदनाएं हैं भावनाओं और संवेदनाओं का क्या करेंगे आप भावनाओं और संवेदनाओं को तो एआई में नहीं फिट कर सकते आप फ्यूचर में भावनाएं भी आ जाएंगी तो फिर तो बहुत मजा आएगा बहुत मजा आने वाला है देखिए हम हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो प्रेम में ना पड़े आत्मा नहीं होगी वनी अच्छा आत्मा आप दिए ये भावनाओं से आत्मा की तरफ चलेगा भाई साहब इनमें से एक साहब का कहना है कि चलो वो सब हो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं होगी ठीक है कोई बात नहीं अब जो भी हो जैसा भी हो समय है समय का तो झेलना ही पड़ेगा हमें तो लास्ट पॉइंट क्या था क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने तो कलायु क्या देख रहा था क्लाइव बहुत दूर देख रहा था उसने कहा कि ठीक है जो भी होना हो होगा लेकिन इस नवाब को तो जाना है स्थानीय अधिकारी इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन वह अपने षड्यंत्रों के साथ आगे बढ़ता रहा और उसी षड्यंत्र की परिणति होती है ट्वेंटी जून को जिसको कौन सी लड़ाई कहते हैं की लड़ाई नवाब हारा नवाब भागा नवाब पकड़ा गया नवाब मारा गया उसकी इस व्यक्तिगत त्रासदी में इतिहास की कोई रुचि नहीं है हालांकि कभी कभी एस्टेट सर्विसेज वाले और कभी कभी कुछ ज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि नवाब किस पे बैठ के भागा कम से कम उसके भागने की गरिमा का ख्याल रखते नवाब है भाई एक अवध में भी नवाब था जो भागा ही नहीं वहां एक नवाब है जो भाग रहा है तो कम से कम उसकी निजता का ध्यान रखिए यूपी यूपी शायद मेरे ख्याल से बिहार में कभी किसी साल सवाल पूछा गया था यूपी पी में पूछा गया था कि सिराजुद्दौला किस पे बैठ के भागा क्या मतलब बनता है वो चप्पल उठा के भागा लुंगी खोट के भागा ठीक है उसका चप्पल कीचड़ में फंस गया ठीक है उसका फीता निकल गया उसको लगाते हुए भागा अब ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाए बाजार में ऐसे प्रश्नों की भरमार हो गई है तो स्टेट सर्विसेज में तो ठीक है लेकिन आईएस के प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी अलग होती है क्योंकि काम का नेचर भी थोड़ा अलग है तो इसलिए इस तरह के तुच्छ तथ्य अगर आपको दिख भी जाते हैं तो उनको छोड़ दीजिए ऐसे तथ्य याद नहीं भी आते हैं तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर संकल्पनाएं समझ में आ रही हैं और कुछ मौलिक तथ्य अगर आपको पता है तो बाकी सब ठीक है तैयारी में आत्मविश्वास रखिए वैसे आप बताइए सरवाल भागा कैसे था घोड़े पर बैठ के भागा था ये तो आप गेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से या कहीं पढ़ा है गेस कर रहे हैं मैंने जो कहीं पढ़ा था या मुझे जो पता है मुझे नहीं पता मतलब बहुत काश्वस्त नहीं रहता हूँ कभी भी ऐसे तथ्यों के मामले में वो ये है कि डोली पे बैठ के भागा था पालकी में बैठ के भागा था अब आप बताइए पालकी में बैठ के आप भाग सकते हैं कि पालकी में बैठ के भागाए जाएंगे कम से कम इस वक्त तो पैदल चल लेते थोड़ा भाग लेते तो पालकी में बैठ के भागा तो ऐसे तथ्य छोड़ देंगे हम लोग बस इतना था कि नवाब हारा मारा गया नवाब के हारने का कारण ये था कि ये जो लड़ाई थी ये लड़ाई जो थी ये इन्वॉटेड कॉमा के अंदर हुई थी ये लड़ाई कम थी और षडयंत्र ज़्यादा थी इसमें जितने भी सिराज विरोधी धड़े के लोग थे जिसमें उसका कमांडर भी शामिल था जिसका नाम था मीर जाफर इसमें किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी मीर जाफर के गद्दारी पर इसको संदेह था वफादारी पर गदारी पर नहीं और एक दो दिन पहले उसे मिला भी था उसने उम्र में बड़ा था रिश्तेदार भी था अलीवर्दी खान के दोस्तों में था और इस व्यक्ति ने जिसका नाम था मीर जाफर उसने सिराजुद्दौला को आश्वस्त किया था कि बेटा जो भी तुम सुन रहे हो वो अफवाह है मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ जान भी दे सकता हूँ तुमको देखता हूँ तो अलीवर्दी खान की याद आती है बड़े भावुक बातें इसने कही ए को तो डेटा मिल गया ए तो अपना निर्णय ले लेगा पलासी को प्रिडिक्ट कर देगा कि पलासी में कौन जीतने जा रहा है सिराज उदौला जा रहा है कमांडर ऑफ है लेकिन ए को यह कैसे पता चलेगा यह कमांडर जो था यह और साइड में क्या सोच रहा था और युद्ध भूमि में मानव मस्तिष्क तो बड़ा जटिल होता है ना प्रिडिक्टेबिलिटी को कभी भी आप डिफाई कर सकते हैं यह क्या करने वाला था तो युद्ध भूमि में अगर सिराजदौला मान लीजिए कि हमारे दौर में जी रहा होता और ए आई मीर जाफर की वफादारी के बारे में बात करती तो जो भी उसने शब्द दिए जो भी उसने डेटा दिया उसने उदाहरण भी दिए कि अलीवर्दी खान के ज़माने से हमारे संबंध हैं पुराना नहीं है तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बनती थी वो भागेगा नहीं युद्धभूमि में उसकी जरा सा रिएक्शन देख लीजिए उसने मशवरा दिया कि भाग लिया जाए सिराजुद्दौला ने कहा कि भागने की कोई वजह है नहीं क्यों भाग लिया जाए तो उसने कहा कि हुजूर मेरी समझ से जो सबसे बेहतरीन मशवरा था वो मैंने आपको दे दिया बाकी हुजूर की मर्जी लड़ने का मन है तो लड़ लीजिए जहाँ कमांडर आपको इतना मोटिवेटेड लगेगा वहाँ लड़ेंगे आप कैसे तो कुछ ऐसा कहा जाता है पलासी के बारे में कि एक ऐसा भी वक्त आया जब भाग सभी रहे थे लेकिन पीछा कोई नहीं कर रहा था भागना समझते ना सब भागे सिर्फला भागा सिर्फ दो लोगों को छोड़ के एक का नाम था मीर मदन और दूसरे का मोहन लाल था ये दो लोग पलासी की लड़ाई में लड़ने के लिए जाने जाते हैं बाकी सिराजदौला के जितने कमांडर थे सब भाग गए इसमें से एक मोहन लाल युद्ध में मारा भी गया था मीर मदन को बार बार ऑर्डर देकर मीर जाफर ने वापस बुलवा लिया था जबकि इन्होंने कहा भी था कि अब ये लौटने का समय नहीं है अब तो या तो विजय होगी या जो भी होना है वीरता लेकिन वीरता की जरूरत नहीं थी अब पलासी युद्ध के मामले में कोई बहुत महत्वपूर्ण युद्ध नहीं है इसको षडयंत्र ही माना जाता है लेकिन परिणामों के मामले में यह काफ़ी दूरगामी सिद्ध हुई उपनिवेशवाद का प्रारंभ आप यहाँ से औपचारिक तरीके से मान सकते हैं पलासी के परिणामों के बारे में लंबी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों का उल्लेख करना फिर भी जरूरत जरूरी है यहाँ पर वो ये है कि एक कवि हुए हैं जिनका नाम है नवीन चंद्र सेन इन्होंने पलासी के परिणामों को उपनिवेशवाद से जोड़ते हुए और उपनिवेशवाद को शोषण से जोड़ते हुए इन्होंने कहा है कि अ नाइट ऑफ इटरनल ग्लूम अंग्रेजी में कहा है अ नाइट ऑफ इटरनल ग्लूम ग्लूम का मतलब दुख होता है संताप होता है इटरनल का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसको शायद ऐसे कहा जा सकता है कि कभी न खत्म होने वाली दुखों की एक कुछ है उसमें कुछ ट्रांसलेट करते काली अंधेरी रात या रात अगर काली हो तो और दुखदाई हो जाती है काली रात का प्रारंभ तो यह अभिव्यक्ति किसने की यह अभिव्यक्ति किसने दी है नवीन चंद्र सेन ने दी है उपनिवेशवाद का कुछ संबंध जो था वह भारत के आधुनिक रूपांतरण में भी था उस पक्ष पे ध्यान देते हुए एक लेखक हैं इतिहासकार हैं जिनका नाम है आर सी मजूमदार और आर सी मजूमदार साहब ने जो इसके बारे में कहा वो ये कहा कि ट्वेंटी थर्ड जून को उन्होंने तिथि भी मेंशन कर दी भारत में मध्यकाल जो था वह समाप्त हो गया और जो आधुनिक युग था वह प्रारंभ हुआ इसका मतलब है कि आपने ब्रिटिश शासन को आधुनिकता से जोड़ा आप बहुत गलत नहीं हैं लेकिन आप कुछ पक्षों की अनदेखी कर रहे हैं एक तो इस आधुनिकता की प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं कि इस आधुनिकता की कीमत क्या थी और इस आधुनिकता का स्वरूप क्या था यह खंडित आधुनिकता थी इसको डिस्टोटेड मॉडर्निटी कहते हैं कुत्सित आधुनिकता थी उसी हद तक भारत के की व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाना था जिस हद तक कि औपनिवेशिक शोषण को बढ़ावा मिलता ठीक है दूसरी चीज यह है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की आधुनिकता एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अन्य कारणों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह सिर्फ उपनिवेशवाद की वजह से नहीं था यह भारतीय प्रयासों की वजह से भी था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वजह से भी था वैश्विक परिवर्तनों की वजह से भी था इसमें सिर्फ औपनिवेशिक शासन और औपनिवेशिक शासन के हस्तक्षेपों को भारत की आधुनिकता का श्रेय देना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है और वैसे भी गलत है यह कथन या इसके साथ पूर्ण सहमति नहीं हो सकती कि आधुनिक युग की तरफ मध्य युग से रूपांतरण एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसको किसी एक विशेष घटना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन हाँ ऐसा कहकर शायद इस लेखक ने प्लासी के प्रभावों के महत्व को स्थापित करने की कोशिश की है तो इसे शब्द सह या अक्षर सह सत्य नहीं माना जा सकता हाँ इसके भाव को समझा जा सकता है कि पलासी के साथ उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और उपनिवेशवाद का संबंध शोषण से तो था ही था उपनिवेशिक शासन का स्वरूप चूंकि आधुनिक था इस शासन का संबंध भारत में आधुनिक रूपांतरणों से भी था और इस कारण इस लेखक ने पलासी को भारत की आधुनिकता के साथ जोड़कर देखा है उसके बाद से किसी लेखक का नाम महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हाँ पलासी के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद बंगाल एक शोषित राज्य के रूप में उभरा और बंगाल एक शोषित राज्य के रूप में ही नहीं उभरा बल्कि एक प्रायोजित राज्य के रूप में उभरा शोषित राज्य का मतलब है यहाँ पर एक्सपोलाइटेड मेरे ख्याल से अंग्रेजी सही लिखी है मैंने और प्रायोजित राज्य का मतलब है स्पॉन्सर्ड मेरे ख्याल से यहाँ पर भी सही लिखी है मैंने स्पॉन्सर्ड बस इनका भाव समझ लीजिए भाव इसलिए समझना आवश्यक है कि आपसे कथन पूछे जा सकते हैं कथन देकर प्रश्न पूछ लेगा कि पलासी के निम्नलिखित में से कौन पलासी के परिणामों में शामिल था या नहीं था आपने क्या इस तरह के प्रश्न देखे हैं कि नि्लिखित में से कोई किसको पलासी का परिणाम माना जा सकता है किसको परिणाम नहीं माना जा सकता है किसी भी युद्ध के साथ या महत्वपूर्ण घटना के कारणों और उसके परिणामों और उसकी परिस्थितियों पर कथन देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते पूछे जा सकते हैं अगर आपकी सहमति है तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लाइटेड स्टेट उभरा तो किन किन का एक्सप्लाइटेशन किया हो, गया होगा आप बताइए किन किन का किया गया होगा सबसे पहला टारगेट तो होगा बंगाल का नवाब ही नवाब में जो पहला नवाब बना वो कौन था मीर जाफर तो मीर जाफर से इन्होंने सबसे पहले तो 24 परगना का क्षेत्र प्राप्त किया फिर नकद प्राप्ति हुई नकद किसको तो कंपनी को भी कंपनी के अधिकारियों को भी और ख़बरदार जो किसी ने पैसा गिना कि 300 मिलियन तीन लाख दिया गया किसको? तीन लाख क्लाइव को दिया गया दो लाख वाटसन को दिया गया इतना इतना सिपाहियों को दिया गया ये सब इस तरह के जब क्रूड डेटा मिले आपको तो इसको बाईपास करके आगे बढ़िए अगर एक बार आप संकल्पना समझ रहे हैं तो टोटल कितना पैसा बंगाल के नवाब ने दिया ये आप काउंट नहीं करेंगे और याद नहीं करेंगे आप इतना मान लीजिए कि यह सीधे लूट का प्रारंभ था बाद में जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक होंगे जो उपनिवेशवाद की आर्थिक समीक्षा करते हुए धन के अपोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे उन लोगों ने इस पूरी राशि को सीधे लूट की संज्ञा दी है ये आरंभिक दौर था और अभी औपनिवेशिक व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं थी और अभी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं हो पाई थी कि भारतीय संसाधनों के दोहन के अधिक उपयोगी मार्ग ढूंढ सके तो अभी बहुत ही क्रूड तरीके थे कि नवाब ने गद्दी पे बिठाया है चौबीस प्रगना इन्होंने ले लिया नकद कंपनी के अधिकारियों को कंपनी के सैनिकों को और इन अधिकारियों में रॉबर्ट क्लाई भी शामिल था वाटसन भी शामिल था और जो काउंसिल के सदस्य थे वो भी शामिल थे अब आप बताइए कि इतना तो ये उसको मिल गया थैंक्स गिविंग हो गया उसके बाद से दस्तक का दुरुपयोग आप बताइए रुक जाएगा या बढ़ जाएगा पहले अगर ऐसे था तो अब कैसे हो गया ऐसे हो गया अब कौन रोकेगा उसके अलावा और भी चीजें थी कि नवाब से कुछ भी नियमित धनराशि मतलब लगातार उससे ली जाती रही उसके दरबार में कभी भी कोई भी अंग्रेज अधिकारी मुंह उठाए पहुंच जाता और उसको खाली हाथ भेजना उस समय की मान्यता नहीं थी तो इधर से गुजर रहे थे सोचे मुर्शिदाबाद में नवाब साहब की खैरियत पूछ लें अब नवाब साहब की खैरियत पूछने गए हैं तो मंतव्य स्पष्ट है कि नवाब साहब आप आते समय आपको लौकी देंगे या फिर आ, आ, लौकी देने का प्रचलन है ना भारतीय समाज में अच्छा नहीं नहीं अच्छा पंचायत में प्रचलन है हाँ लौकी देंगे या कटहल देंगे कटहल देंगे या कुछ इस तरह की चीज़ देंगे खाली हाथ थोड़े लौटाएंगे क्योंकि संबंध मायने रखता है संबंध महत्वपूर्ण है कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग मांगेंगे नहीं लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो रुट जाएंगे हाँ आपका बहुत कुछ लोग होते हैं ना संबंधी बोलते हैं कि अरे परेशान बिल्कुल नहीं होना है बिल्कुल खाना मत बनाइएगा बिल्कुल परेशान मत होइए हम तो बस ऐसे ही चले आए थे लेकिन आप उनको ना खिला के देखिए फिर देखिए कि वो जाके बिरादरी में आपके बारे में क्या बातें करते हैं ये धोखा देने की समाज की प्रवृत्ति है बोल दिया नहीं खाएंगे और आपने ले लिया कि हाँ हाँ नहीं खाएंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं रहने दो तो खाना मत बनाओ फिर देखो क्या होता है मतलब हमारे समाज में ड्रामा कूट कूट के भरा पड़ा है हर जगह आपको भी पता है कि बिना खाए नहीं जाएंगे लेकिन आपको पहले नाना बोलना है बोलना है कि अभी उठ के नहीं नहीं अभी बस हम आ गए थे खाकर ही आए हैं जल्दी ही चले जाएंगे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको भी पता है कि खाकर ही जाना है आपको और उसको भी पता है कि खिलाना है तो होता है रोल प्लेइंग होती है ना कुछ चीजें तो उससे नियमित धनराशि आप इसको ऐसे इसको मैं इस तरह से लिख ले रहा हूं कि नियमित धनराशि उससे ली गई अब आप बताइए कि सिर्फ नवाब ही विक्टिम बनेगा या नवाब के अधिकारी भी विक्टिम बनेंगे नवाब का जब ये हाल है तो उसके अधिकारियों का क्या हाल होगा अधिकारी दो तरह के होंगे अब एक तो पुराने नवाब के अधिकारी और पूरी व्यवस्था बदल रही है तो आप भी जाइए हम दूसरे को देंगे और अगर रहना चाहते हैं तो पैसा दीजिए जब नवाब साहब पैसा देकर नवाब बन सकते हैं तो हम पैसा देकर अधिकारी क्यों नहीं बने रह सकते प्लस पदों की खरीद बिक्री ऑक्शन जो नवाब बना सकता है वो कमांडर इन चीफ भी बना सकता है कि नहीं वो जितने भी दरबार के महत्वपूर्ण पद थे वो बना सकता है कि नहीं तो ऑफिस की खरीद बिक्री शुरू हो गई और इससे कदाचार बढ़ेगा कदाचार का अभी आप लोग अर्थ नहीं समझते होंगे इसको करप्शन कहते हैं समय आने वाला है जो आप लोग इसका अर्थ भली भांति समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे भी बल्कि आप परिभाषित भी करेंगे कि कदाचार किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते सृष्टि में यह काम आपके हाथों होने वाला है आप आपको हल्के तो में मत लिया कीजिए तो दरबार में करप्शन फैला जब दरबार का ये हाल है तो उस दरबार में जो दरबारी आते थे उसमें कुछ जमींदार भी थे बड़े बड़े मुर्शिद कुल खान के जमाने में ये जमींदार काफी प्रभावशाली हो चुके थे तो अब उनको भी तो अपनी स्थिति की पुष्टि करानी पड़ेगी नई व्यवस्था में कि नहीं तो जमींदारों को भी क्या किया गया लूटा गया और इन सबका भार किसके ऊपर पड़ेगा आखिर कर कौन देता था उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट तो थे नहीं ना फैकल्टीज हुआ करती थी तो राज्य की आय के साधन सीमित होते थे और राज्य की आय के साधन सीमित थे तो ये सारा बोझ किसके ऊपर पड़ा किसान के ऊपर पड़ा पलासी के युद्ध के कुछ ही वर्षों में जो भू राजस्व के रूप में दर ली जाती थी वो लगभग दोगुनी हो गई थी क्यों हो गई थी और यह धनराशि कहाँ गई ये तो हो गया किसानों का अब आप आइए व्यापारी व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा कि नहीं होगा अब तक बल प्रयोग संस्थागत तरीके से हो रहा था मतलब बल प्रयोग ऐसे हो रहा था अब संस्थागत तरीके से होने हो लगेगा कि नहीं तो कंपनी ने क्या किया कि बहुत सारे जो आंतरिक व्यापार था मतलब आंतरिक व्यापार पर आंतरिक व्यापार पर एक अधिकार सामुद्रिक व्यापार पर तो ब्रिटिश सरकार ने इसको दिया था अब कंपनी ने पलासी के बाद की स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ चीजों के व्यापार पर अपना जैसे सिल्क सिल्क को क्या कहते हैं मलमल कहेंगे क्या सिल्क को मलमल कह सकते हैं सिल्क को सिल्क ही कह लेते हैं रेशम सिल्क रेशम है ना हाँ तो कच्चा रेशम अब अगर भारतीय व्यापारियों को अगर कच्चा रेशम प्राप्त करना है तो ऊंची कीमत पर प्राप्त करना होगा कि नहीं उसी तरह से आपने सुना होगा उसको क्या कहते हैं आपने पान के साथ खाते हैं सुपारी वैसे भी खाते हैं लेकिन वैसे जब खाते हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है सुपारी पान के साथ खाइए तो ज़्यादा बेहतर है अलग से खाने का मतलब कुछ और ही होता है सुपारी लेना सुपारी देना सुपारी खाना सुना है कि नहीं आप लोगों ने ऐसी चीज़ें ली है सुपारी किसी की आपने अच्छा सुपारी लेके बैठे हैं यहाँ पे लोग बड़े ओजस्वी तेजस्वी लोगों के बीच में फंस गया हूं अच्छा हो कि आप लोग सिविल सर्विसेज़ ही क्वालिफाई करें इसलिए कि मुझे लग रहा है कि अगर न हो खुदा ना खास्ता किसी वजह से तो जो व्यवसाय आप लोग चुनेंगे वो व्यवसाय बड़ा खतरनाक हो सकता है अच्छा दौड़ता चाइल्डहुड में कौन सी सुपारी ले ली आपने सुपारी ही थी ना कुछ और था अच्छा अच्छा वो अच्छा छोटी सुपारी छोटी हाँ, सुपारी नमक का नाम सुना होगा आपने नमक शोरा का नाम सुना होगा आपने बारूद बनाना इन सब चीजों पर उन्होंने एक अधिकार कर लिया मुझे याद तो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है लेकिन इस सूची में पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है कि कपास भी लिख दें जूट 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 पर शायद एक अधिकार था, था कर लिया था शायद अब मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं आप इसका ध्यान रखिए आंतरिक व्यापार पर एक अधिकार ठीक है ना कुछ चीजें उदाहरण स्वरूप हमने आपको बता दी बाकी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप समझ लीजिए आप संकल्प ना समझिए शोरा क्या होता है यह कुछ होता था मिट्टी से कुछ निकलता है बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है ये एक केमिकल है इनका पूछना है कि शोरा क्या है ये माइक आप मुझे ही दे दीजिए मैं ही फेंक दिया करूंगा हाँ इसलिए कि आप तो घुस ही नहीं पाते हैं आप जिसको देना चाहते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं हाँ कुर्सियों के बीच में थोड़ी जगह होती तब या तो फिर पास कर दिया कीजिए ठीक है ना आप लोग भी थोड़ा सहयोगात्मक करवाइया अपना है ये अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो माइक से पूछे तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं हाँ ये दोनों तरफ से एकदम खड़े तो हैं माइक लेके लेकिन हाँ आप लोग प्रश्न पूछने से पहले इनको इशारों में बुला लीजिए अपने पास माइक ले लीजिए और उस तरह से प्रश्न पूछें तो शायद वो लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको उन तक भी आपके प्रश्न पहुंच जाए वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्नों को दोहरा दूं तो अब अगर भारतीय व्यापारियों को कपास चाहिए भारतीय व्यापारियों को कच्चा रेशम चाहिए और उसके ऊपर मोनोपोली हो गई तो कारीगरों को भी नुकसान होगा कि नहीं होगा तो व्यापार व्यापार का पैटर्न चेंज हो रहा है तो कारीगर कारीगरों को दो तरह से नुकसान हुआ एक तो इसकी वजह से नुकसान हुआ और दूसरा गैर आर्थिक शर्त इनके ऊपर लाद दी गई इसको कहते हैं अंग्रेजी में अन इकोनॉमिक रेट्स अन इकोनॉमिक रेट्स का मतलब हुआ ऐसे रेट्स जो कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर उचित न माने जाएं। अगर लागत दस रुपये की है तो अगर बारह रुपया मूल्य है तो बात फिर भी समझ में आती है कि दो रुपया श्रम और पता नहीं क्या क्या हो गया लेकिन अगर लागत है दस रुपये की और आपको मिलता है दस रुपये तो क्या इसको आर्थिक दर कहेंगे आप नहीं कहेंगे तो कंपनी के ना कुछ व्यापारी होते थे जिनको कहते थे गोमास्ता आपने नाम सुना होगा पूछ सकते हैं कि गोमास्ता कौन थे ये कंपनी के एजेंट थे कुछ भारतीय व्यापारी थे जिनको कहते थे ददनी व्यापारी और ये लोग पुटिंग आउट सिस्टम के तहत काम करते थे पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब है कि कारीगरों को एडवांस वेतन मतलब पेशगी भुगतान करके ददनी मर्चेंट ये पेशगी भुगतान से संबंधित थे कारीगरों को अगर आपने पेशगी भुगतान कर दिया तो निश्चित मात्रा में और निश्चित समय पर आपूर्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसा यूरोप में भी हो रहा था और इसी कारण यूरोप में व्यवसाय के माध्यम से जो भी पूंजी अर्जित की जा रही थी उसका एक बहुत बड़ा भाग निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था भारत में भी संभावनाएँ थी इसकी प्रवेश कर सकता था तब जबकि व्यापारी अगर मुनाफा कमा रहे थे उस मुनाफा की वजह से कारीगर भी मुनाफा कमाते और व्यापारिक पूंजी का एक भाग कारीगरी यानी कि निर्माण के क्षेत्र में भी आता तो जैसे यूरोप में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी यहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो सकती थी या वैसा कुछ हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे और क्यों नहीं हुआ गैर आर्थिक शर्तें इन लोगों ने भारतीय जो व्यापारी थे भारतीय कारीगर थे इनको जबरदस्ती पेश की भुगतान करना शुरू किया वो भी गैर आर्थिक दरों पर उस समय के एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है नाम जान लीजिए गुलाम हुसैन तबा तबाई ये नाम है इनकी किताब का नाम है सियार वैसे सियार एक जानवर भी है सियारतरीन सियार उल मुतरीन यादा क है ख है र है दीर्घिकार है इनकी किताब का नाम है अब आप कहेंगे कि किताब क्यों मैं बता रहा हूँ आपको तो हम पढ़ते हैं एन से और एन जिन लोग लिखा है वो पढ़ते हैं यहाँ से उस समय के इतिहास पर बहुत कम ही भारतीय पुस्तकें लिखी गई हैं भारतीयों का परिप्रेक्ष्य हमें अक्सर नहीं मिल पाता है इसलिए कि भारत के इतिहास लिखने में उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने जो वृत्ान्त दिया उन्होंने जो लिखा उसकी भूमिका ज़्यादा है हम भारतीय शायद लिखने वगैरह में कम यकीन रखते थे तो हमने लिखा नहीं तो हमें याद भी नहीं रखा गया अठारह के सिपाहियों का भी वृतांत हमें कहाँ मिल पाता है लेकिन उस समय ये व्यक्ति थे जो लिख रहे थे और किताब लिखा था सियारिन और इसमें ये बताते हैं कि शुरुआती दौर में पलासी और के बाद आखिर बंगाल में हो क्या रहा था चल क्या रहा था तो ये एक जगह पे ये भी लिखते हैं कि बंगाल के बुनकरों ने अंगूठे काटने शुरू कर दिए थे क्योंकि अंगूठा काटना आसान था कंपनी की शर्तों पर काम करना मुश्किल था एक बार अगर आपने एडवांस ले लिया तो ये जो लोग गोमास्ता थे ये अपने न्यायालय लगाते थे कंगारू कोर्ट की तरह कौन रोकता नवाब रोक नहीं सकता था कंपनी की स्थिति हम देख ही रहे हैं तो कुछ ऐसे होता था कि गांव में गए कुर्सी लगा के बैठ गए पेड़ के नीचे हाँ भाई किस किस ने एडवांस पेमेंट लिया है आ जाओ लाइन से खड़े हो तुम्हारी आपूर्ति क्यों नहीं हुई अच्छा नहीं हुई तो तुम मुर्गा बन जाओ ठीक है इसको कोड़े मारो जी इसको घोड़े में बांध के घसीटो जी तो इस तरह से कारीगरों के साथ व्यवहार किया गया और अंत में इतनी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस तरह के भी अगर मान लीजिए कि अगर ये सही ना भी हो अक्सर हम लोग कहते हैं कोई खाना अच्छा बनाए तो हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारी उंगली काट लेंगे काटना ही बोलते ना काटना ही बोलते हैं चाट लेंगे बोलते हैं। मतलब कोई अच्छा खाना बनाए तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी उंगली चाट लेंगे मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कहते होंगे हम लोग काट लेंगे कहते हैं ना हाँ काटना ही कहते हैं अच्छा हाथ काट लेंगे आ, कुछ तो कहते हैं नहीं मतलब अब पता नहीं देखो अब अब हम तो आप ही लोग बताते हो तो हमें पता चलता है हाँ अच्छा स्वयं की उंगली चाटते अच्छा हाँ वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था हाँ हाथ काटना मतलब कोई अच्छा काम करते तो कहते हैं कि जी करते तुम्हारा तो तो हाथ काट लें देखिए कोई हाथ काटता नहीं है और शाहजहां के बारे में भी कहा जाता है कि ताजमहल बनवाकर उसने हाथ काट लिए थे लेकिन इसकी कोई ऐतिहासिकता नहीं है ये एक तरह से प्रशंसा है कि इतना बढ़िया काम कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि ये काम दोबारा हो तो तुम्हारा हाथ काट देंगे तो मतलब जो अगर ये ऐसा कहे कि तुम्हारा हाथ काट लेंगे या हाथ उंगली काट लेंगे तो इसमें प्रशंसा है कि नहीं उसी तरह से भले हो सकता है कि व्यवहारिक रूप से कारीगरों ने अंगूठे ना काटे होंगे लेकिन ऐसी बातें कही गई तो उसमें दुख की स्थिति है या नहीं है है ना तो वहां के कारीगरों के दुख की स्थिति का बयान गुलाम हुसैन तबा तबाही करते हैं इसकी पुष्टि अंग्रेज अधिकारियों के विवरण से भी होती है और बहुत एनसीआरटी में भी टेक्स्ट लिखे गए हैं इस मामले में आपने पढ़ा होगा उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी कथन है कि सूती वस्त्र के जनक यानी कि जहाँ से इसकी पैदाइश होती है वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े बुनकरों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं ब्रिटिश शासन ऐसा काम करता है बाद में ऐसे भी स्टेटमेंट है कि हमारा सिस्टम कुछ स्पॉन्ज की तरह काम करता है जो बंगाल में गंगा नदी के किनारे से हर अच्छी चीज़ को सोख लेता है और इंग्लैंड में कौन सी नदी है टेम्स नदी के किनारे जाकर उसको निचोड़ देता है तो कुछ ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इस बात को समझा था कि किस तरह से शोषण की पद्धति चल रही थी यह था बंगाल आफ्टर पलासी आखिर कब तक गुमास्ता वर्ड याद रखिएगा ददनी व्यापारी याद रखिएगा गुलाम हुसैन तबा तबाई याद रख सकते हैं सियारिन याद रखिएगा और किन किन वर्गों का किस तरह से किस माध्यम से एक्सप्लाइटेशन शुरू हुआ पलासी के बाद यह था बंगाल एक शोषित राज्य के तौर पे उभरना पलासी के बाद अब दूसरा जो मुद्दा आएगा और इससे संबंधित ही मुद्दा है वो मुद्दा है कि बंगाल एक प्रायोजित राज्य कैसे था गोमास्ता शब्द हाँ 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 पूछिए सर गोमास्ता एक बार और समझा देंगे गुमास्ता शब्द का प्रयोग उन व्यापारियों के लिए होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते थे और कंपनी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे भारतीय कारीगरों से वस्तुएं खरीदकर कंपनी तक पहुंचाते थे इनको आप चाहें तो बिचौलिया भी, भी कह सकते इस तरह के जो व्यापारी होते थे इनको गुमास्ता कहते थे और ददनी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कारीगरों को पेशगी भुगतान किया जाता था इस सिस्टम को अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम पुटिंग आउट सिस्टम और औद्योगिक क्रांति में पुटिंग आउट सिस्टम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में भी निभा सकती थी लेकिन चूंकि यहां पर अन इकोनॉमिक रेट्स यानी कि गैर आर्थिक शर्तों पर काम कराया गया जो भी पैसा बनाया किसने बनाया इसने कंपनी ने बनाया इसके नौकरों ने बनाया भारतीय कारीगरों भारतीय व्यापारियों में से कुछ नहीं पैसा बनाया होगा जो खास तौर से बिचौलियों के तौर पे काम करते थे ये ददनी व्यापारी जो होते थे अक्सर भारतीय होते थे और अब इन लोगों का अत्याचार इतना बढ़ा कि इनको कोई रोकने वाला नहीं था तो सिर्फ मनमाने तरीके से पेशगी भुगतान नहीं करते थे बल्कि अगर शर्तें नहीं पूरी होती थी तो ये गाँव में जाकर अपने न्यायालय भी लगा लेते थे और उसके बाद ये दंड भी देने का काम करते थे इनकी कोई वैधता नहीं थी गुमास्ताज कोर्ट अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल होता है तो बंगाल की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अब यहीं से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बंगाल एक प्रायोजित राज्य कैसे था प्रायोजित राज्य का मतलब ये है कि स्पॉन्सर्ड स्टेट हमें इस संकल्पना में रुचि नहीं है हमें रुचि है कि आखिर हुआ क्या उन तथ्यों में रुचि है तो कुछ ही दिनों के बाद ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जाफर जिसने कंपनी की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था इस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि जो टकराव है वह टकराव दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है बल्कि दो स्थितियों के बीच में है दो व्यवस्थाओं के बीच में है और उस व्यवस्था का प्रमुख जो भी बनेगा उसका टकराव औपनिवेशिक शासकों से होगा औपनिवेशिक व्यवस्था से होगा तो सिराजदौला जब तक नवाब था संघर्ष राज के साथ होगा और जब मीर जाफर नवाब बनेगा तो संघर्ष मीर जाफर के साथ होगा संस्थागत टकराव आप इसे कह सकते तो अब यह थोड़ा आनाकनी करने लगा कंपनी की बढ़ती मांगों को पूरा करने में या उसके अधिकारियों के हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश करने लगा तो इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसने डचों के साथ कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया है वफादारी नहीं की है तो उसकी जगह पर बहुत लंबी प्रक्रिया रही उसको छोड़ दीजिए मीर कासिम को बना दिया गया ये हुआ 1760 के आसपास के इससे पहले डच सत्रह की बेदारा की लड़ाई में हार चुके थे यानी कि अगर मीर जाफर षड्यंत्र कर भी रहा था डचों के साथ तो उसका कोई वास्तविक प्रभाव ब्रिटिश स्थिति पे पड़ने वाला नहीं था डच वैसे भी अब उनके इस स्थिति में नहीं थे कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके लेकिन चूंकि मीर जाफर को हटाना था इसलिए उसके ऊपर यह संघर्ष या आरोप लगाया गया कि उसने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षडयंत्र किया था और उसे हटा दिया गया मीर कासिम भी उसी उम्मीद में गद्दी पर बैठा जिस उम्मीद में बैठा था मीर जाफर और गद्दी पर बैठते ही इसने वही काम किए जो उसने किए दुबराने की जरूरत नहीं है कैश दिया इनाम व इकराम से नवाज़ा वो कहते हैं ना राजा नवाब लोग पहले खुश हो जाते थे तो मांगी चीजें दिया करते थे उसमें एक विशेष योगदान जो इसने किया था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं वह योगदान था कि बांडीवास की लड़ाई जो कि तीसरे कर्नाटक युद्ध की अंतिम लड़ाई थी जिसमें कि सर आयरकूट ने लाली को पराजित किया था उस लड़ाई के लिए इसने पाँच लाख रुपए दिए थे पाँच लाख उस समय का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना हो सकता है इन्फ्लेशन वगैरह काट के देख लीजिए आप जो भी कितना हो सकता है उस वक्त का पांच लाख हम्म कम से कम पांच सौ करोड़ होगा आज के हिसाब से माइक में बोलिए कितना करोड़ होगा आज, आज के टाइम में कम से कम पांच सौ करोड़ होगा आज आज के टाइम में कम से कम पांच सौ करोड़ होगा उस समय का पांच लाख आज समय के टाइम में कम से कम पांच सौ करोड़ होगा क्योंकि इतनी राशि अगर सुपारी में मिल जाए तो फिर तो लाइफ मस्त हो जाएगी अगर सुपारी मेरी दे दी तो मेरे लिए पाँच सौ करोड़ ठुकरा देंगे सर तो आपके लिए नहीं किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी के लिए जीवित, भी जीवित अगर हम जान किसी को जीवन दे नहीं सकते तो ले भी लेना भी उचित नहीं है ठीक है माइक दे दीजिए आपका नैतिक संदेश दूर दूर तक पहुंच चुका <laughs> अरे रे रे, सुपारी ड्रग्स नहीं है माइक दीजिए इनको भी <laughs> ये जो बात आपने बोली है माइक में बोली है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सुविधा है ठीक है ना छाइक में नहीं बोलना है नहीं सुपारी ड्रग्स को नहीं कहते हैं ड्रग्स तो अलग ही होता है सुपारी होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लोग करते थे ना जैसे आपने किसी की हत्या करने के लिए सौ रुपए लिए तो आप कह सकते हैं कि आपने उसकी हत्या की सुपारी ली है और वो जो पान का सुपारी होता है वो ड्रग नहीं है वो एक ना विशेष हो गया हो गया जिसको काटने के लिए पहले घरों में ना दादियां नानियां रखती थी ना सरौता रखती थी ऐसे काटती थी तो छिटक पान में मिला के खाते हैं उसको देखा होगा नहीं बहुत प्रकार की तो नहीं होती है लेकिन सुपारी शब्द का मुझे जो दो प्रयोग पता है बस इतना जानिए छोड़ दीजिए ड्रग्स नहीं है सुपारी वैसे तो मीर कासिम गद्दी पे बैठता है अब माइक लेकर आप लोग थोड़ा दूर दूर रहिए जो कि जो हमारे ग्राहक समुदाय है ना ग्राहक समुदाय की जिज्ञासा वो मैं भी थोड़ा सा कभी कभी भड़का देता हूँ अपनी तरफ से तो मीर कासिम ने गद्दी पर बैठने के बाद वो जो पाँच लाख पाँच लाख याद रखिएगा उसको दूसरा उसने एक और काम किया और वो काम ये था कि कंपनी को तीन और अतिरिक्त जिले उसने दे दिए थे ये जिले कौन कौन से थे आपने नाम सुना होगा मिदनापुर का जिला था चिटगांव का जिला था और बर्धमान का जिला था जिसको बर्धमान भी कहते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि बर्धमान मिदनापुर और चिटगांव तीन जिले भी मिले और काफी उत्साह के साथ इसने शासन करना शुरू किया लेकिन इसको भी शीघ्र ही लग गया कि कंपनी की रुचि उसको सिर्फ पपेट बना के रखने में है ठीक है ना तो फिर कंपनी ने क्या किया इससे पहले कि हटाए एक एक श्रृंखला घटनाओं की और उसमें मीर कासिम को माना जाता है कि सामान्य तौर पर योग्य व्यक्ति था इसने पहला काम यह किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आया और मुंगेर में इसने एक आयुध शाला भी बनवाई <coughs> मुंगेर में ही बनवाई आधुनिक आयुधशाला प्लस इसने सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश की और उसके लिए आप कह सकते हैं सैन्य आधुनिकीकरण सैन्य सुधार इस एसी को बंद करवा दीजिए प्लीज और इस समय जो लोग भी सैन्य सुधार कर रहे थे वो लोग चाहे वो हैदर अली हो या मराठा सरदार कौन से वाले महाजी सिंधिया हों चाहे हैदर अली हो चाहे मीर कासिम हो चाहे बाद के रंजीत सिंह हो ये कुछ चुने हुए नाम हैं जिन लोगों ने आधुनिक सेना विकसित करने की कोशिश की थी वो लोग दो तीन ही काम कर रहे थे एक तो पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री पे ध्यान दे रहे थे दूसरा नियमित प्रशिक्षण पे ध्यान दे रहे थे जिसको ड्रिलिंग कहते हैं तीसरा नए तरह के हथियार यानी कि नई बंदूकें जिनको फ्लिंट लॉक कहते हैं फ्लिंट लॉक में इग्निशन जो होता है वो स्ट्राइक के जरिए होता है कारतूसों का प्रयोग होता है तो नई बंदूकें और ये नई बंदूकें क्या थी एफ एल आई एन टी फ्लिंट लॉक गन्स कहते हैं इनको यानी कि आयुधशाला बनवा रहे थे और ऐसा सब कुछ करने में ये विदेशी अधिकारियों की हेल्प ले रहे थे क्योंकि मिलिट्री लेबर मार्केट उस समय काफ़ी डेवलप था सिर्फ अंग्रेज ही नहीं सिर्फ फ्रांसीसी ही नहीं यूरोप के अलग अलग देशों के उस समय जो लोग भी सैनिक रूप से क्षमतावान लोग थे वो भारत में एक बहुत ही रिच मिलिट्री मार्केट डेवलप हो गया था उसके अंतर्गत वो यहाँ के देसी शासकों को अपनी सेवाएं देते थे उसके बदले में वो वेतन लेते थे अक्सर वो मर्सिनरी की तरह होते थे तो इनके द्वारा लिया गया कोई भी सहयोग बहुत अस्थायी नहीं था और इनकी जो नैतिकता थी वो भी इधर उधर होती रहती थी फिर इसके बाद इसने और काम किए नए कर लगाए ताकि राज्य की आमदनी को बढ़ाया जाए फिर इसने फिर वो पुराना मुद्दा उठा लिया वो क्या था दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश दुरुपयोग को रोकने की कोशिश यानी कि इसने भी पत्थर उठा लिया क्या करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते में हाँ ये बात हुई थी ना हमारी कभी कि ये मधुमक्खियाँ हैं अगर इन्हें पाला गया तो शहद देंगी और अगर छेड़ा गया तो काट काट के मार डालेंगी तो आप समझ सकते हैं कि मीर कासिम ने भी अब वही काम करना शुरू किया अब दस्तक के दुरुपयोग को जब इसने रोकने की कोशिश की तो सिद्धांततः जितने भी उस समय के उच्च अधिकारी थे सबने माना कि जो भी हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन वही बात थी कल हम लोगों ने बात की थी, थी ना नाव हिलाने वाली कि गलत हो रहा है सब गलत हो रहा है आप बिल्कुल सही हैं दस्तक के दुरुपयोग को रोकेंगे हम लोग आखिर सिर्फ आप ही को नुकसान नहीं हो रहा है हमारा भी नुकसान हो रहा है कंपनी का भी नुकसान हो रहा है हमारी इमेज खराब हो रही है लेकिन व्यवहारिक रूप से किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की नवाब ने जब भी कुछ बात करने की कोशिश की लोगों ने सिद्धांतिक रूप से माना भी कि ये जो हो रहा है गलत है और हम आपके साथ हैं हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है यानी कि सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया गया नवाब को लेकिन व्यवहारिक रूप से नवाब के लिए शासन चलाना गठन कर दिया गया तो अक्सर ये जो फर्क था वो सिद्धांत और व्यवहार का फर्क था अब मीर कासिम ने जब यह विरोधाभास देखा तो उसने एक बहुत ही ड्राष्टिक निर्णय लिया उसने पाँच साल के लिए पाँच वर्ष के लिए आंतरिक जो चुंगी लगती थी जिसमें कि विशेष लाभ था आंतरिक चुंगी की समाप्ति कर दी अब कोई नहीं देगा एक तरह से मुक्त व्यापार अब आप बताइए कि इस स्थिति में कंपनी को या कंपनी से क्या अपेक्षित है कंपनी के अधिकारियों से क्या अपेक्षित है कोई व्यापार नहीं दे रहा था कोई चुंगी नहीं दे रहा है तो कंपनी को फिर लाभ कहाँ से होगा व्यापारिक लाभ का मतलब क्या होता है कि आपको रिलेटिव एडवांटेज हो यानी कि ऐसे एडवांटेज दूसरे को ना हो तो आप जब तक अकेले मुक्त व्यापार करते रहे आपका व्यापारिक लाभ होता रहा लेकिन अब बंगाल के नवाब ने आंतरिक चुंगी ही समाप्त कर दी तो जो भी आपकी विशिष्ट स्थिति थी वह विशिष्ट स्थिति समाप्त हो गई कि नहीं हो गई तो कंपनी के अधिकारियों ने इसका तीव्र विरोध किया और कुछ तो हिंसक भी हो गए क्योंकि अब बंगाल के नवाब को ये हल्के में लेने लगे थे ऐसे ही हिंसक लोगों में से एक था जिसने कि पटना पर आक्रमण कर दिया और पटना पर आक्रमण कर पटना पर उसने अधिकार भी कर लिया मीर कासिम उस समय पटना से बहुत दूर नहीं था मुंगेर में ही था उसने फिर पटना को अपने बस में लिया पटना पर अपना एक अधिकार स्थापित किया लेकिन इस क्रम के दौरान पटना में घटना घटी वो घटना वैसी ही थी जैसे कि अली नगर में सिराज उदौला के ज़माने में घटी थी अली नगर कलकत्ता का बदला हुआ नाम मेरे ख्याल से अब भूले नहीं होंगे और यहाँ पर मीर कासिम के विदेशी अधिकारियों में एक अधिकारी था जो जर्मनी से था अब आप देख लीजिए मिलिट्री लेबर मार्केट इंडिया में कितना डेवलप था इस जर्मन अधिकारी का जो जर्मन नाम था वो बहुत ही टेढ़ा था बहुत ही टेढ़ा है कुछ है हम लोग नहीं जानेंगे तो जब भी नाम बहुत टेढ़ा होता है तो लोग उसको सिम्पलीफाई कर देते हैं कि नहीं अपने हिसाब से और ये जो कि पूरा क्षेत्र किसका क्षेत्र था बिहार का क्षेत्र था निक नेम जोड़ दिया जाता है तो ये भाई साहब अपना जर्मनी किस नाम लेकर जो भी आए थे इंडिया में इनको कहा गया समरू कुछ लोग समरुआ भी बोले होंगे इनको समरू समरुआ तो ये समरू भाई साहब ने पटना में बहुत सारे अंग्रेजों को मार डाला समरू मीर कासिम के अधिकारियों में से एक था और वह जो व्यक्ति था जिसने कि पटना पर अधिकार किया था एलिस नाम था उसका तो बेसिकली यह लड़ाई किसके किसके बीच में हो गई अब समरू और एलिस के बीच में हो गई वही वाणिज्यवादी संघर्ष यहाँ दिख गया मीर कासिम तो विक्टिम बन रहा है ना किसी और चीज का मीर कासिम के साथ संबंध अभी इतने नहीं बिगड़े थे लेकिन इसको पटना हत्याकांड कहते हैं पटना हत्याकांड के बाद यह संबंध इतने बिगड़े कि अब कोई गुंजाइशी नहीं बची कि दोनों पक्षों में शांति स्थापित रहे इसी बीच में क्या किया ये सब कुछ मुंगेर और पटना के इलाके में हो रहा था मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बिठा दिया गया सिराजुद्दौला दौला का मीर जाफर के द्वारा पलासी के बाद विस्थापन फिर मीर जाफिर का मीर जाफर का मीर कासिम द्वारा 1760 में विस्थापन और फिर मीर कासिम का मीर जाफर द्वारा सत्रह में विस्थापन इन सबको कुछ इतिहासकारों ने क्रांतियों की संज्ञा दी है इनको पलासी क्रांति कहते हैं बंगाल की पहली क्रांति बंगाल की दूसरी क्रांति बंगाल की तीसरी क्रांति भी कहा गया है लेकिन इन क्रांतियों में जो वास्तविक क्रांति थी वो पहली ही क्रांति थी इसलिए कि बाकी दो क्रांतियों में कंपनी ने सिर्फ उन अधिकारों का प्रयोग किया जिस अधिकार जिन अधिकारों को कंपनी पलासी के बाद प्राप्त कर चुकी थी कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं किया क्लियर अब इसके बाद मीर जाफ़र ने मीर कासिम ने डिसाइड किया कि लड़ेगा वो और यहीं पर हमें कौन सी लड़ाई दिखती है बक्सर की लड़ाई दिखती है और बक्सर की लड़ाई की तिथि भी शायद मैं आपको बता सकता हूँ वह कौन सी तिथि है बाईस अक्टूबर की है बाईस अक्टूबर को बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम अपने साथ दो और लोगों को लेकर आता है जिनकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं एक तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और दूसरा अवध का नवाब सुजाउदौरा और ये तीनों हारते हैं हराता है इस लड़ाई में जो कमांडर उसका नाम है हेक्टर मुनरो और इस लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ तो पलासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद ही माना जाता है कि उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी और ऐसे कथन है कि बक्सर की लड़ाई ने पलासी के फैसलों पर मुहर लगा दी तो क्यों मुहर लगा दी तो पलासी की लड़ाई वास्तविक रूप से लड़ाई नहीं थी और अगर किसी के मन में कभी कोई संदेह रहा होगा किसी भी तरह का कि अगर षडयंत्र नहीं हुआ होता तो सिराजदौला जीत जाता या वो नहीं हारता वह अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं था क्योंकि अगर पलासी में जीत भी जाते तो आगे हारते क्योंकि टकराव दो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं का था दो व्यक्तियों का नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ लोग मोहनलाल जैसे वफादार निकलते या कुछ लोग मीर जाफर जैसे गद्दार निकलते भारतीय शासक पिछड़ चुके थे कुछ मौलिक मामलों में और जब तक वो उन मामलों में पिछड़े रहते इस तरह की चीजें बस सिर्फ इतिहास में कुछ और अतिरिक्त इफ और बट्स जोड़ देती हैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाती तो वास्तविक स्थिति के अनुरूप जो लड़ाई हुई थी वह बक्सर की ही लड़ाई थी जिसमें कि दोनों पक्ष पूरी तरह से परिचित थे संभावनाओं से भी और लड़ाई में जो भी संकट हो सकता था उससे भी युद्ध के परिणामों से भी परिचित थे उसके बावजूद भी लड़े पूरी तैयारी के साथ लड़े और भारतीयों की हार हुई तो पलासी के फैसलों पर बक्सर के द्वारा मुहर लगाने जैसे कथन का संदर्भ क्या है यह मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ लाभ हुआ और वो लाभ ये था कि अब तक जो था पलासी के बाद इसमें यह कंपनी का प्रभाव बंगाल में सीमित था लेकिन अब एक तरह से पूरे उत्तर भारत में विस्तृत हो गया पूरा अवध अवध के साथ सुजाउदौला ने जो ट्रीटी की थी उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं जो कुछ भी आदान प्रदान हुआ था वो भी कर चुके हैं एक संधि की शर्त ये थी कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे लेकिन अगर अवध की सेना का प्रयोग कंपनी करती है तो कंपनी कोई भी भुगतान नहीं करेगी लेकिन अवध अगर कंपनी की सेना अपनी सुरक्षा में लगाता है तो उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा यह सहायक संधि की शर्तों का एक हिस्सा था यानी कि सहायक संधि के माध्यम से जो व्यवस्था कालांतर में उभरने वाली थी उसकी आरंभिक झलक हमें यहां पर दिखाई देने लगती है। यही एक अतिरिक्त चीज है और इसी पॉलिसी को घेरे की नीति या बाड़े की नीति कहते हैं मकसद ये था कि एक तो कंपनी की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाए ताकि कंपनी के जो भी विरोधी हैं वो सावधान न हो जाए कंपनी के विरुद्ध जैसा कि फ्रांसीसी हो अंग्रेज हो गए थे फ्रांसीसियों के विरुद्ध दक्षिण में और दूसरा उद्देश्य ये था कि कंपनी के जो संभावित शत्रु थे यानी कि मराठे और अफगान उनके और कंपनी का जो क्षेत्र था यानी बंगाल के बीच में एक बफर जोन तटस्थ जोन रखा जाए जो कि अंग्रेजों के प्रभाव में हो जिसके संसाधनों का प्रयोग युद्ध की स्थिति में किया भी जा सके और कोई भी लड़ाई अब कंपनी के क्षेत्र में ना होकर उन क्षेत्रों से बाहर ही होने वाली थी तो इसी के तहत यह संधि की गई और फिर अंततः क्या हुआ अवध का अधिग्रहण हुआ हस्तक्षेप लगातार बढ़ता चला गया था तो बस बलासी के बक्सर के बाद अवध के साथ बक्सर के बाद मुगल सम्राट के साथ क्या हुआ इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और मुगल सम्राट के साथ जो हुआ मुगल सम्राट ने जो दीवानी का अधिकार दिया उसके माध्यम से डुअल सरकार जिसे कहते हैं द्वैत सरकार जिसे कहते हैं उसको कैसे स्थापित किया गया उसकी क्या विशिष्टताएं थी मेरे ख्याल से इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद अवध के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मुगल सम्राट के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण और कंपनी के प्रभावों का बंगाल के क्षेत्र से बाहर की ओर विस्तार अब कंपनी को कम से कम उत्तर भारत में कोई चुनौती देने वाला नहीं था यह थी बंगाल की कहानी जो कि सबसे मुख्य कहानी है इसके बाद की सारी कहानियाँ बहुत ही छोटी छोटी हैं बंगाल के साथ अवध का मामला निपट गया अब अगर मराठों की बात करें तो मराठे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे थे द्वितीय अठारहवीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता है कि मराठे इतने मजबूत तो जरूर थे कि मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते थे लेकिन इतने मजबूत नहीं थे कि ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ने से रोक सकते थे कारण ये था कि वो भी उसी पुरानी व्यवस्था से संबंधित थे जिस व्यवस्था की त्रुटियों के कारण जिनकी बुराइयों के कारण मुगल व्यवस्था पतनशील हो गई हो गई थी यानी कि परंपरागत शक्तियों और आधुनिक शक्तियों के बीच का संघर्ष था और इस संघर्ष में आधुनिक शक्तियों को ही विजय प्राप्त करनी थी लेकिन फिर भी चूंकि मराठे सबसे शक्तिशाली थे तो मराठों के साथ जो कुछ भी हुआ वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कैसे हुआ और उनकी क्रमबद्धता क्या रही मैं आपको बता दूँ कि मराठों के साथ तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए कितने युद्ध हुए तीन आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं इन सबको यही कहते हैं आंग्ल मराठा प्रथम आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा और तृतीय आंग्ल मराठा कितना आसान है हिस्ट्री पढ़ना अगर एक और हो गया होता तो चतुर्थ आंग्ल मराठा हो जाता अब यहां पर मराठा कहानी हम शुरू करेंगे 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद माधवराव पेशवा बना था और इस समय पानीपत की लड़ाई के समय जो पेशवा रहा था बाजी राव प्रथम का पुत्र बालाजी बाजी राव पानीपत की लड़ाई के बाद शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी उसी आघात में उसी शोक में शोक तो समझते हैं आप तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी नया जो पेशवा बना माधव राव वह काफ़ी तेजस्वी ओजस्वी था और वैसे भी कहा जाता है कि पानीपत की लड़ाई ने कंपनी को सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचाया। इसका फ़ायदा मराठों को तो होना नहीं था चूंकि मराठे पराजित हो गए थे अहमद शाह अब्दाली को भी नहीं हुआ मुग़लों को भी नहीं हुआ लेकिन एक ऐसे समय में जब कंपनी बंगाल में पलासी की लड़ाई लड़ती है बक्सर की लड़ाई लड़ रही है उस समय मराठे पराजित हो चुके हैं सत्रह में पूरी संभावना बनती थी हालांकि इतिहास में ऐसी संभावनाओं को मतलब अव्यवहारिक भी माना जाता है लेकिन जिस तरह के संबंध मुगल सम्राट और मराठों के थे जिस तरह के संबंध मुगल अवध और मराठों के थे और मीर कासिम को जिस तरह से सहायता की जरूरत थी और कंपनी जिस तरह से चुनौती बनकर बंगाल में उभर रही थी कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई में नहीं हारे होते तो बक्सर की लड़ाई में मराठे भी शामिल होते बक्सर की लड़ाई में सिर्फ मुगल सम्राट और अवध का नवाब शामिल हुआ और अगर बक्सर की लड़ाई में मराठे शामिल होते तो फिर इतिहास की क्या धारा होती इसको तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है तो बक्सर की लड़ाई में वो शामिल ना हो सके और बंगाल में जो कंपनी अपनी शक्ति को सुदृढ़ीकृत कर रही थी उसको वो बाधित न कर सके इसका मुख्य कारण यह था कि एक ऐसे समय में जब कंपनी बंगाल में शक्ति बनकर उभरती है पश्चिम से आने वाली एक शक्ति ने उन्हें पराजित कर दिया था और उनको अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करने में थोड़ा समय लगने वाला था हालांकि जितना अपेक्षित था उसे कम ही समय लगा जो भी समय लगा वो बहुत कम था सत्रह सौ इकसठ में मराठे हारते हैं और सत्रह सौ इकहत्तर बहत्तर तक आते आते इनकी शक्ति वापिस आ चुकी होती है पेशवा माधवराव के नेतृत्व में ये कुछ काम करते हैं जैसे उत्तर में उत्तर भारत में ये काम ये करते हैं कि आपको याद होगा मुगल सम्राट जो कि अलाहाबाद तब के और आज के प्रयागराज में इलाहाबाद के किले में रह रहा था ब्रिटिश संरक्षण में नाम उसका था शाह आलम द्वितीय शाह आलम को दिल्ली लाए शाह आलम को दिल्ली लाना मराठा संरक्षण में ये पूरी तरह से चुनौती थी ब्रिटिश स्थिति को उत्तर भारत में उत्तर भारत में मुगल सम्राट अगर एक विदेशी कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में है तो इसका मतलब क्या है कि मुगल सम्राट भारत में संप्रभुता का क्या था उसकी कुंजी, उसकी चाबी था वो तो मराठों ने बहुत जल्दी ही मुगल सम्राट को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करा लिया और उसे अपने संरक्षण में दिल्ली लेकर आए ये तो उत्तर भारत में किया दक्षिण में उस समय के उभरती हुई शक्तियों में सबसे प्रमुख था हैदर अली तो मराठों ने हैदर अली को भी पराजित करने में सफलता अर्जित की 1760 के दशक में कोई लड़ाई हुई थी जिसमें कि हैदर अली को मराठों ने पराजित भी कर दिया था ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि मराठा शक्ति का की पुनर्स्थापना हो रही थी और इस पुनर्स्थापना का श्रेय किसको दिया जा रहा था पेशवा माधवराव को दिया जा रहा था लेकिन आपने सुना होगा कि होनी कुछ होती है जो होके रहती है माधवराव की मृत्यु हो गई अकाल मृत्यु इसलिए कि कभी कभी इतिहास हमें कुछ उत्तरदायित्व तो देता है अगर उसे हम पूरा कर लेते हैं तो मृत्यु को समय का माना जाता है नहीं तो फिर माना जाता है कि मृत्यु कैसी हो गई अकाल मृत्यु हो गई तो माधवराव की मृत्यु के बाद बाकी जो भी त्रुटियां थी मराठा दरबार में जो कि सामान्य तौर पे सभी भारतीय शक्तियों के अंदर देखी जा सकती हैं उनमें बढ़ोतरी हुई उन्हीं में था उत्तराधिकार का संघर्ष राव के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा था वह था नारायण राव और नारायण राव राव का छोटा भाई था और नारायण राव को चुनौती दिया था एक व्यक्ति ने जो कि इन दोनों का नारायण राव का और माधव राव का चचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव इन दोनों के चचा होने का मतलब ये है कि बाजीराव प्रथम का पुत्र होगा और बालाजी बाजीराव जो पेशवा बना था उसका बेटा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडर रहा था ये और इस कमांडर ने बहुत हद तक दिल्ली और पानीपत के क्षेत्रों पर पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार करने में भी भूमिका निभाई थी रघुनाथ राव एक दरबारी षड्यंत्र में नारायण राव को मार डालता है या मरवा देता है और खुद पेशवा बन जाता है लेकिन नारायण राव की स्थिति को चुनौती देते हैं नाना फडनवीस नाना फडणवीस नारायण राव की स्थिति को चुनौती कैसे देते हैं तो नारायण राव के मरणोपरांत पुत्र जिसका नाम रखा जाता है उसके ताऊजी और उसके पिताजी के नाम को मिलाकर माधव राव नारायण इसको गद्दी पे बिठा देते हैं और एक पूना में रिजेंसी बना लेते हैं पूना रिजेंसी कहते हैं इसको और पूना रिजेंसी के खुद प्रमुख बनकर शासन चलाने लगते हैं रघुनाथ राव भाग के चला जाता है इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बॉम्बे काउंसिल के पास मुना से बॉम्बे भागना आसान है और इस तरह से रघुनाथ राव पहला ऐसा मराठा नेता बनता है जो एक संधि करता है जिसको कहते हैं सूरत की संधि सूरत की संधि होती है सत्रह पैंसठ में जो कि मराठों द्वारा की गई पहली संधि है और इसी संधि में यह स्वीकार करती है कंपनी कि हम आपको दोबारा गद्दी पे बिठा देंगे लेकिन आपको बसीन और साल से दो द्वीप हमें देने पड़ेंगे रघुनाथ राव मान जाता है लेकिन इस सहमति यानी कि सूरत की संधि के अंतर्गत जो सहमति बनती है उसके साथ कलकत्ता की काउंसिल नहीं मानती है कलकत्ता की काउंसिल सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद सुप्रीम काउंसिल बन गई थी और उसे युद्ध और शांति के मामलों में अन्य प्रेसिडेंसीयों के ऊपर निरीक्षण का अधिकार मिला था लेकिन गवर्नर जनरल जो समय का था उसका नाम था वारन हेस्टिंग्स और वारन हेस्टिंग्स का अपनी काउंसिल के साथ यानी कि सुप्रीम काउंसिल कलकत्ता के, के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे तो इस सूरत की संधि का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स की काउंसिल ने विरोध किया लेकिन गवर्नर ने समर्थन किया हाँ सत्रह सौ होगा पैंसठ नहीं होगा सत्रह होगा इस असुविधा के लिए खेद है सत्रह में सूरत की संधि होती है ठीक है और सत्रह में सूरत की संधि के निहितार्थों की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसने एक तरह से कंपनी के अंदर जो अंतर विरोध थे उसको भी उजागर कर दिया था लेकिन अंततः इस बीच में कई सारे और निगोशिएशन होते हैं उसको भूल जाइएगा अंततः जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सूरत की संधि को सहमति दे देता है और लड़ाई होती है किसके किसके बीच में रघुनाथ राव और बॉम्बे काउंसिल एक तरफ और पूना रिजेंसी नाना फडनवीस द्वारा नेतृत्व के माध्यम से इस लड़ाई में भागीदारी करती है यानी कि पहली लड़ाई में भी मराठे पूरी तरह से भागीदारी नहीं करते हैं देख रहे हैं मराठा कमजोरी कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है सत्रह सौ बयासी में यानी कि लगभग सात साल के बाद सालबाई की संधि होती है जिसके माध्यम से युद्ध विराम हो जाता है सालबाई की संधि में लगभग बराबरी पे थी लेकिन इसको माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की जीत इसलिए थी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के क्षेत्र में मराठों से पंगा लेकर भी अपने आप को बचाए रखा था तो कमज़ोर की और मजबूत की जब लड़ाई हो उस लड़ाई में अगर कमज़ोर बचा रह जाए तो कमज़ोर की जीत हो गई कि नहीं हो गई हार किसकी हो गई जो स्ट्रांग था जो मजबूत था उसकी हुई तो नैतिक इसका प्रभाव जो था इस युद्ध का इस संधि का वह ब्रिटिश पक्ष में था हालांकि उन्होंने उनको सिर्फ नैतिक लाभ ही नहीं मिला उनको सालसेट भी मिला रघुनाथ राव ने क्या वादा किया था दोनों देने का बसीन तो नहीं मिला सालसेट मिल गया उसको और उन्होंने माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया और रघुनाथ राव को पेंशन देकर साइड में बिठा दिया गया अभी संधि की खासियत यह है कि 20 सालों तक शांति बनी रही इन बीस सालों में मराठे अपनी शक्ति खोते रहे अंग्रेज अपनी शक्ति सुगठित करते रहे और फिर एक बार उत्तराधिकार जैसा ही कुछ होता है आंतरिक संघर्ष होता है कि फिर यह शांति भंग होती है और दूसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है वो समय होता है सत्रह का आखिरी जब लॉर्ड विलेस्ली भारत में सहायक संधियों की प्रणाली आरोपित करने में काफी रुचि दिखाता है मराठों के सामने भी प्रस्ताव रखता है मराठे स्वीकार नहीं करते निजाम सबसे पहले स्वीकार कर लेता है टीपू सुल्तान स्वीकार नहीं करता है तो उसे पराजित कर मार डाला जाता है समझ गए फिर क्या होता है मराठों में इस समय जो अब तक योग्य नेता रहे सहायक संधि स्वीकार करने की हर मांग ठुकराते रहे नाना फडनवीस की भी मृत्यु हो जाती है <coughs> तो <coughs> कुछ ऐसा होता है कि नई शताब्दी जब शुरू होती है तो मराठा कन्फेडरेसी जिसे कहते हैं जिसमें कि मराठा पेशवा था और चार प्रमुख शक्तियां थी ग्वालियर सिंधिया नागपुर भोसले और कौन होलकर इंदौर और गायकवाड़ बड़ोदा ये आपस में लड़ते रहते थे ऐसे ही किसी लड़ाई में उस समय का जो पेशवा था बाजीराव सेकंड होलकर के हाथों पराजित होता है क्यों होता है उसके विस्तार में नहीं जाना है आंतरिक लड़ाई थी उनकी विशिष्टता थी मराठा राजनीति के आपस में लड़ते रहते थे और जब पराजित हो जाता है सिंधिया इसका साथ देता है लेकिन फिर भी पराजित हो जाता है तो फिर ये पहुंचता है किसके पास कंपनी के पास ये बाजीराव सेकेंड उसी रघुनाथ राव का पुत्र था जिसने सूरत की संधि की थी और यहाँ पर एक संधि होती है जिसको कहते हैं बसीन की संधि 1802 में होती है बसीन की संधि और बसीन की संधि एक सहायक संधि थी सहायक संधियों के बारे में आता है कि जो भी कर लिया उसकी संप्रभुता चली गई और मराठा पेशवा ने कर लिया तो भले ही मराठा पेशवा इस स्थिति में नहीं था कि मराठा सरदारों से अपनी बात मनवा सके लेकिन मराठा सरदार ईस्ट इंडिया कंपनी को बहाना मिल जाता मराठा सरदारों के मामले में भी हस्तक्षेप करने का तो सशंकित हो उठते हैं लड़ाई लड़ते हैं संगठित यहां तक भी नहीं हो पाते हैं गायकवाड़ इस लड़ाई में भागीदारी नहीं करता है सिंधिया करता है पराजित होता है और उसके साथ जो संधि होती है जो सहायक संधि होती है वो होती है सूर्जी अर्जुन गांव की होलकर सबसे ज्यादा लड़ता है और लेकिन फिर भी हारता है तो होलकर के साथ जो संधि होती है बाद में उसको क्या कहते हैं गांव की संधि और इसकी प्रकृति भी क्या है सहायक संधि की ही प्रकृति है और भोसले भोसले के साथ जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी को क्या कहते हैं राजपुर घाट की तो मैचिंग सवाल हो सकता है कि इस तरह से पूछते कि किसके साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी पेशवा के साथ बसीन और बसीन के प्रतिरोध के बाद इन सबकी पराजय और इनके साथ ये और ये सारी शक्तियाँ ये सारी संधियों की प्रकृति क्या है सहायक संधि वेलेस्ली को बुला लिया जाता है कॉर्नवालिस आता है एक बार फिर शांतिपूर्ण स्थिति बहाल हो जाती है लेकिन वो भंग होती है कब जब 1813 में यानी कि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में वो हार जाते हैं पूरी तरह से इस समय कौन होता है लॉर्ड वेलेसली होता है 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आता है और उसके आते ही आक्रामक नीति हो जाती है यह एक काम करता है पिंडारियों के विरुद्ध युद्ध शुरू करता है 1817 के आसपास पिंडारी मराठों के सहायक रहे थे और इस युद्ध में वह चाहता है कि मराठा संसाधनों का भी प्रयोग किया जाए और इसके लिए जितनी भी संधियां मराठों के साथ हुई रहती हैं उनको संशोधित किया जाता है और कठोर शब्दों के साथ और कठोर शर्तों के साथ और ऐसा ही करते समय एक ट्रीटी फिर से होती है पूना की संधि यह होती है पेशवा के साथ वही पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अब पछता रहा था बाजीराव द्वितीय इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रेजिडेंसी पर अटैक कर देता है इस समय रेजिडेंसी में एल्फिंस्टन नामक एक अंग्रेज रेजिडेंट था जिसे बाद में गवर्नर जनरल भी बनाया गया लेकिन वो पढ़ने के लिए गवर्नर जनरल नहीं बना और हम कलेक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं उससे बड़ा पद क्या होता है गवर्नर जनरल का पद वो भी कब ब्रिटिश शासन में और उसने पढ़ने के लिए वह पद नहीं लिया था एल्फिंस्टन माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन उसके नाम से कॉलेज भी है अंबेडकर साहब उसी कॉलेज में पढ़े थे एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे उस समय यही रेजिडेंट था और रेजिडेंसी में पेशवा ने आग लगा दी सोचिए एल्फिंस्टन को इमेजिन कीजिए भागते हुए वहाँ से यह इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होने वाला था अभी अपने शुरुआती दौर में था बाद में रतवारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करता है ये बॉम्बे में तो इस मराठों का इतिहास भी लिखा है ध्यान रखिएगा कि अगर राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉड ने लिखा तो मराठों का इतिहास किसने लिखा था माउंट एस्टवर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा है ये अपने आप में ही प्रश्न हो सकता है इसके साथ ही तीसरे की शुरुआत होती है इस लड़ाई में सभी हार जाते हैं और हारने के बाद क्या होता है हारने के बाद बाकी सबके राज्य पूरी तरह से तो अधिग्रहित नहीं किए जाते हैं लेकिन पेशवा को ख़तरनाक मानते हुए मराठा एकता का सिंबल मानते हुए उसको विस्थापित कर दिया जाता है बिठूर पेंशन देकर जहां बाद में उसके जो उत्तराधिकारी हैं दत्तक पुत्र नाना साहब अठारह के विद्रोहियों का समर्थन करते हैं ठीक है अब इसके बाद मसला मैसूर का है मैसूर बहुत ही छोटा सा है टॉपिक इसको भी कर लेते हैं सबको देसी में जो प्रमुख थे बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहला था मराठे इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे सशक्त थे मैसूर इसलिए है कि सबसे ज़्यादा तीव्र प्रतिरोध किया था चार लड़ाइयाँ हुई थी उनको वैसे ही कहते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रथम लड़ाई हैदर अली के ज़माने में हुई मद्रास की ट्रीटी मामला बराबरी पे रहा दूसरी लड़ाई हैदर अली ने शुरू की जब अंग्रेजों ने माही पर अटैक किया और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ इसका खात्मा होता है इसी दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की टीपू सुल्तान शासक बनता है और तीसरा बस दो मिनट रुक जाइए ये ख़त्म ही होने वाला है फिर तीसरा क्या है तीसरी लड़ाई तब होती है जब मंगलोर के बाद भी टीपू सुल्तान और इनके बीच में कोई फैसला नहीं हो पाता है तो कॉर्नवालिस जब आता है तो कॉर्नवालिस भी सचेत रहता है और टीपू तो विरुद्ध तैयारी कर ही रहा होता है तो फिर तीसरी लड़ाई होती है जिसमें टीपू हार जाता है श्री रंगापतम की संधि होती है क्षतिपूर्ति दो पुत्रों को बंधक बनाए रखना आधे क्षेत्र दे देना और फिर ये चौथा आता है सहायक संधियों का दौर आता है जब वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उसको पराजित करके मार डाला जाता है बस ये एक याद रखिए बाकी इसके साथ ही क्षेत्रीय राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके संबंध यह अंक हमारा समाप्त होता है अब इसके बाद से हम लोग विजय की बात नहीं करेंगे इसके बाद से अब हम लोग सुदृढ़ीकरण की तरफ चलेंगे उससे पहले एक हम लोग ब्रेक ले लेंगे